प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तलीला लेडियां मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन केतक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण वेदांत को पख खोजिया रहे बीच निर्गुण रहे बीच निर्गुण जब धामधनी उदयपुर से चलकर रामपुरे के पास आए दुधलाई में वहाँ डेरा किया और वहीं पर वेरीसाल जो वहाँ के राजा का भाई था सब सुंदर साथ को लूटना चाहता था। तब पुरनमल चारण की माँ ने जो बुढ़ापे में थी डंडा लेकर उन पर दौड़ पड़ी कि यदि तुमने इन वैरागी महात्माओं के ऊपर कुदृष्टि की तो जैसे गधे को पीटा जाता है मैं भी पीटूंगी। तब बेरिसाल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ जो हिंदू राजा का भाई होकर के भी महात्माओं पर हमला करना चाहता हूँ। अब यहाँ से श्री जी ने मुकुंद दास जी को औरंगाबाद भेज दिया उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए, साथ में केशवदास जी खिमाई भाई और बल्लभ को भी भेज दिया। खिमाई भाई मुकुंददास जी के साथ रहते थे, केशवदास और बल्लभ दुकान में बैठे रहे और खिमाई भाई और मुकुंददास जी वैराग्य के भेष में जगह जगह भिक्षा मांगते हैं। राजा से मिलने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है लेकिन राजा से मिलना कठिन हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है विशिष्ट व्यक्ति बनने का, सामान्य जनता उनसे मिल नहीं पाती। आप देखिए कई महीने प्रयास करने के पश्चात बहुत मुश्किल से औरंगजेब से भेंट होती है। भाव सिंह तो सारे देश के सम्राट नहीं है लेकिन उनसे मिलना भी कष्टकारी है क्योंकि जो उनके नज़दीक होते हैं आम जनता को उनसे मिलने नहीं देते। जब मुकुंददास जी लगे को लगा कि निराशा लगेगी भेंट नहीं हो पाएगी, एक बार तो मन में आया कि वापस लौट चलता हूँ, फिर सोचा कि सब लोग क्या कहेंगे यदि बारह सुंदर साथ दिल्ली में रहकर औरंगजेब बादशाह से मिल सकते हैं तो एक हिंदू राजा से मिलने की सामर्थ्य क्या मेरी नहीं है। अपनी निराशा को उन्होंने आशावादी भावना के साथ समाप्त किया और कुछ भिक्षा मांगी, बढ़िया से एक थैली बनाकर रेशमी थैली बनाकर उसमें प्रसाद डाला और किसी तरह से राजा के पास भिजवा दिया। राजा का जो गुरु था महंत रामदास, उसने देखा कि ये कोई महात्मा है, कहीं राजा को बहकाकर अपनी तरफ न कर ले नहीं तो मेरा राजगुरु का पद समाप्त हो जाएगा, और इसलिए जैसे ही
मुकुंद दास जी को अकेले में पाया, इतना डंडे डंडे मारा कि मुकुंद दास जी के शरीर पर निशान पड़ गए। मारते मारते नाले के पार पहुंचा दिया, औरंगाबाद के पास एक नाला बहता था उसके उस पार पहुंचा दिया और कह दिया कि दोबारा आए तो जिंदा नहीं बचोगे। दिल्ली में जो सुंदर साहब को यातना झेलनी पड़ी थी उससे अधिक यातना मुकुंद दास जी को वहाँ झेलनी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने हंसी उड़ाई थी कि क्या जरूरत थी औरंगजेब से पंगा लेने की। अब मुकुंद दास जी सोचते हैं कि मार खाए तब तो मार खा ही लिए, अब तो खाली हाथ जाना नहीं है, नहीं तो सब सुंदर साथ हंसी करेंगे कि देखो हमने भले ही मार खाई तो क्या, औरंगजेब को तो टक्कर दी, औरंगजेब का सिर नीचा किया और एक हिंदू राजा से तुम बात नहीं कर पाए उल्टे मार खा कर आए। देखा कि बात औरंग ये राजा भाव सिंह करते क्या है, प्रायः शक्ति की उपासना करते थे राजा लोग। एक काली का मंदिर था, उस मंदिर में देखा कि राजा प्रतिदिन दर्शन करने आता है। भाव सिंह में भक्ति भावना थी और मुकुंद दास जी ने क्या किया कि भिक्षा मांगी, पुनः प्रसाद भर लिया एक थैली में और भागवत के और वेदांत के कुछ प्रश्न लिखकर थैली में डाल दिया। जैसे ही राजा सवेरे दर्शन के लिए आए, क्योंकि दर्शन के लिए आना ही था, किसी को साथ नहीं लाए थे, अकेले आए थे, क्योंकि उनका जो राजमहल था उसके पास ही ये मंदिर था। मुकुंद दास जी ने वो थैली राजा को भेंट में दे दी। राजा ने सवेरे सवेरे सोचा कि एक महात्मा के हाथ से प्रसाद मिला है, ये बहुत शुभ है। आकर के जैसे ही थैली खोला, कुछ प्रश्न निकले। रामदास महंत वहीं बैठा था, प्रश्न देखा, राजा ने कहा कि वो जो महात्मा जी मंदिर में आए हुए हैं उनको बुला कर लाओ। जब प्रश्न पढ़ने लगा तो रामदास कहता है कि महाराज आप ऐरे गहरे जो भी महात्मा होता है उससे आप बात कर लेते हैं, इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि दो कृष्ण हैं, एक ब्रज बिहारी कृष्ण अलग है, रास बिहारी कृष्ण अलग है। तो भाव सिंह कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, इन्होंने तो जो कुछ कहा है सच कहा है, देखो इन्होंने वेदांत के कितने कठिन प्रश्न यहाँ भेजे हैं। अब उन्होंने आदेश दिया कि मुकुंद दास जी को मेरी हवेली के पास ही हवेली दे दो ताकि ये यहीं पर रहें। रामदास कहने लगा कि नहीं महाराज, इनको मेरे साथ कर दीजिए, मैं इनकी बढ़िया से सेवा करूँगा। जैसे ही कहा, मुकुंद दास जी कहते हैं कि महाराज कभी भी इनके साथ मुझे मत भेजिए, ये मेरी पीठ देखिए, इन्होंने डंडे मारते मारते मुझे नाले के पार कर दिया। जब मुकुंद दास जी की पीठ देखी राजा भाव सिंह ने तो बहुत क्रोध आया, धक्का देकर उन्होंने रामदास को महल से निकाल दिया और कहा कि जो भी महात्मा मेरे पास आए मिलने के लिए तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तुम मेरे गुरु कहलाने के योग्य नहीं हो। अब मुकुंद दास जी ने जो राज पंडित थे उनसे कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें, पंडितों को उत्तर आया नहीं। अंत में काफ़ी वाद विवाद हुआ। मुकुंद दास जी ने कहा कि ये जितने पंडित लोग हैं मेरे से प्रश्न पूछे और मैं भी पूछता हूँ, शर्त रखी गई कि जिसको उत्तर नहीं आएगा उसके गले में जूते डालकर पूरे नगर में घुमा दिया जाएगा। उसमें शास्त्रार्थ ऐसे ही हुआ करता था। पंडितों ने 80 प्रश्न पूछे, मुकुंद दास जी ने उसी दिन उत्तर दे दिया। अब इसके पश्चात मुकुंद दास जी ने केवल 23 प्रश्न रखे थे, वेदांत के और भागवत के, सब 23 प्रश्न। 15 दिन का समय दिया गया, पंडितों ने सारे ग्रंथ पलट मारे लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के उसका उत्तर कैसे दे सकते थे, न वेदांत के प्रश्नों का उत्तर आया न भागवत के प्रश्नों का। अंत में आकर के सभी पंडितों ने कहा कि तुम्हारे स्वामी जी यदि यही चाहते हैं कि पंडित भूखो मरें तो भाई हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें तो इन प्रश्नों का उत्तर आता नहीं, अब तुम्हारे ऊपर है कि हमारे घर में चूल्हा जले या न जले। मुकुंद दास जी को दया आएगी कि
कि भाई ये प्राणनाथ जी का वास्ता दे रहे हैं, कि प्राणनाथ जी नहीं चाहते कि किसी पंडित का पेट भरे, तो जाकर राजा भाव सिंह से कहते हैं कि महाराज, जिन प्रश्नों का उत्तर शिष्ट के प्रारंभ से कोई दे नहीं सका, अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, प्रकृत पुरुष से कैसे सृष्टि होती है, तो बेचारे ये पंडित लोग क्या देंगे। अंत में भाव सिंह सिख को मनाने में सफल हो जाते हैं मुकुंददास जी। मुकुंददास जी से भाव सिंह कहते हैं कि जब इन पंडितों को प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो अब तक जो कुछ मिलता था केवल आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। पहले खीर पूड़ी खाते थे, अब सूखी रोटी इनको खानी पड़ेगी। यही हुआ है, जब से गुरुकुल परंपरा का ह्रास हुआ, इस देश में विद्वानों का अभाव हो गया। पत्थरों के बड़े बड़े मंदिर बनते रहे, खाना पीना भोग लगाना, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में पंडा लोग होते हैं उनको धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता। कुछ श्लोक रटे रहते हैं, 19 श्लोकों को बोल बोलकर दक्षिणा लेते रहते हैं और सबको मुक्ति का टिकट बांटते रहते हैं। उन बेचारों को पता नहीं कि वेदांत में क्या लिखा है, वेद तो देखे भी नहीं होते, गीता में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है। हमारी संस्कृत की मर्यादा रही है कि बिना किसी स्वार्थ के हर व्यक्ति को वेद शास्त्र पढ़ना अनिवार्य था। ब्राह्मण कौन है जो बिना किसी कामना के, धन की कामना के, पद की कामना के, प्रतिष्ठा की कामना के वेद का स्वाध्याय करे, वो उसकी दिनचर्या में शामिल किया जाता था। लेकिन जब से मूर्ति पूजा शुरू हुई, इसने देश को अकर्मण्य बना दिया। बड़े बड़े आश्रम हैं जिसमें सैकड़ों महात्मा लोग रहते हैं, न ध्यान है, न भक्ति है, न ग्रंथों का स्वाध्याय है। शाम सुबह आरती में खड़े हो जाएंगे, बस दिनचर्या समाप्त। दिन भर बातें करेंगे या सोए रहेंगे तो क्या होगा। जब विद्वत वर्ग सन्यासी वर्ग ही आलसी बन जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा स्वाध्याय में, ध्यान में, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। यही कहानी है। अब मुकुंददास जी ने भाव सिंह को तारतम ज्ञान के प्रकाश में अखंड ब्रज राज तथा परम धाम का वर्णन सुनाया। भावदास जी को बहुत अधिक श्रद्धा हो जाती है भाव सिंह को। अब वो कहते हैं कि तुम हथनी ले जाइए, ले जाओ मुकुंददास जी, और श्री जी को सवारी, श्री जी को उस पर ले आओ। बूंदी में एक हवेली भी दे दी। भाव सिंह का राज बहुत विस्तृत था, कहाँ बूंदी और कहाँ औरंगाबाद, दोनों के बीच में 700 किलोमीटर का अंतर था, इतना बड़ा राज्य था उनका। श्री जी मंदसौर में उस समय रह रहे होते हैं। मुकुंददास जी आते हैं, श्री जी को सूचना दी जाती है, और तब सब सुंदर साथ सही श्री जी भाव सिंह से मिलने के लिए औरंगाबाद को प्रस्थान करते हैं। औरंगाबाद में भाव सिंह सच्चे हृदय से श्री जी की का स्वागत करता है, चरणों में आकर के प्रणाम करता है और महल में ले जाकर के श्री जी को आसन पर बिठाता है। जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा होने लगती है, रास के कीर्तन गाए जाते हैं, तो सब सुंदर साथ के साथ भाव सिंह भी नाचने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कोई राजा महाराजा हूं। भक्ति भाव है। अब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनकर भाव सिंह सच्चे हृदय से श्री जी पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। एक दिन चर्चा के समय श्री जी ने कहा कि देखो राजा भाव सिंह, जैसा कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मुझे विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में कहा गया है, उसी तरह कुरान में भी मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में वर्णन किया गया है। जो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में है वही कुरान में भी है। ये भाषा का भेद है जिसके कारण सारा संसार आपस में लड़ता रहता है। जब यह बात भाव सिंह ने सुनी तो कहा कि धामधनी, मेरे राज्य में, मेरे दरबार में 4 मेरे अधिकारी हैं जो मुसलमान हैं, इनको आप कुरान से समझा दीजिए तो औरंगजेब से लड़ने के लिए मैं सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार हूँ। आप जानते हैं अव्वल खान एक था,
अव्वल खान है, मिहिन खान है, जान मोहम्मद है, जान मोहम्मद, और एक है फतेह मोहम्मद। ये चारों, फतेह मोहम्मद प्रधानमंत्री है, वजीर है राजा का, चारों उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं राज दरबार के। ये बात विशेष है, हिंदू राजा अपना मंत्री मुसलमान को बना लेते हैं, प्रधानमंत्री तक बना लेते हैं, लेकिन मुसलमान किसी राजा ने, मुसलमान बादशाह ने, नवाब ने किसी भी हिंदू को अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। और अधिकतर घटना है कि उन्हीं नवाबों ने, बादशाहों ने, जो हिंदुओं को हमेशा तिरस्कृत किया, हिंदुओं ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, और समय आने पर उन्होंने उसको गद्दी से हटाकर स्वयं ही अधिकार कर लिया। क्योंकि मुस्लिम संस्कृत में ऐसा ही होता आया है, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया। चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, उनके बेटों ने इनके तन रहते रहते विद्रोह किया था। अकबर के विरुद्ध सलीम ने विद्रोह किया, सलीम जहांगीर के विरुद्ध उसके बेटे ने विरोध किया, शाहजादा खुर्रम जिसको शाहजहां की उपाधि मिली उसने भी विरोध किया, उसके भी विरोध में अन्य बेटों ने विरोध किया। हमेशा ये कहानी चली आ रही है मुगल सल्तनत की, कि पिता को हटाकर बेटा गद्दी पर बैठना चाहता है, भाई भाई को मारकर गद्दी पर बैठना चाहता है। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली भी पहले प्रधानमंत्री था वहाँ के राजा का, राजा को देखा कि कम उम्र का है, उसको हटाकर गद्दी पर बैठ गया। यही भूख, तृष्णा की भूख, सत्ता की भूख ने मुस्लिम जगत को संघर्ष के चौराहे पर लाकर खड़ा कर रखा है। अब श्री जी के चरणों में अव्वल खान आता है, देखते ही पहचान जाता है वही अव्वल खान जिसने चाबुक लेकर अपने शरीर को मारना प्रारंभ किया था कि मेरा परवरदिगार आए बैठा है, लेकिन तूने उनकी पहचान नहीं की। अव्वल खान मिहिन खान को लेकर आता है, जहान मोहम्मद को लेकर आता है। कुछ दिनों में मिहिन खान को ईमान आ जाता है और वो भी पहचान लेता है कि यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है। जहान खान दो माह तक चर्चा सुनता है, लेकिन एक दिन गड़बड़ी क्या हुई कि सुंदर साथ कई बार जल्दी मचा देते हैं बिना सोचे समझे। लालदास जी, उत्तम दास जी ने परम धाम की लीला का कुछ वर्णन कर दिया कि वहाँ परब्रह्म अल्लाह ताला किशोर स्वरूप में है, युगल स्वरूप है, और कुरान की आयत में कहा गया है कि अल्लाह की न कोई पत्नी है न पुत्र है, उसका कोई सांसारिक संबंध नहीं है किसी से, न प्रेमिका है, न पत्नी है, न पुत्र है। इन सुंदर साथ ने कह दिया कि परम धाम में अल्लाह ताला युगल स्वरूप है। इससे जहान मोहम्मद को गुस्सा आ गया कि ये तो काफिर की बात है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, नाराज होकर चला गया। अब उत्तम दास जी को बहुत चिंता हुई, श्री जी तक बात पहुंची कि इन्होंने प्रश्न कर दिया, जहान मोहम्मद नाराज होकर चला गया है। उत्तम दास जी ने कहा कि धामदनी आपका आदेश हो तो मैं बुला कर लाऊं। श्री जी ने कहा कि नहीं, उसने दो माह चर्चा सुनी है, उसको रहा ही नहीं जाएगा, वापस आएगा। अगले दिन जहान मोहम्मद स्वयं आया, कहता है कि आप मुझे क्यों नहीं जागृत करते हैं। श्री जी ने कहा कि अब तुम श्रद्धा से कुछ दिन चर्चा सुनो। केवल कहा कि आठ दिनों केवल चर्चा सुनो, चर्चा सुनने लगता है। एक दिन जहान मोहम्मद प्रश्न करता है कि क्यामत के समय मूर्तें कब उठे, कैसे उठेंगे। श्री जी ने सारा प्रसंग सुनाया, अलस्तो बीरबकुम से किस तरह से परम धाम में इस क्रब्ध होता है, सखियां माया का खेल देखना चाहती है, नूर जलाल अक्षय ब्रह्म परम धाम की प्रेमी लीला को देखना चाहते हैं, ब्रज का ब्रह्मांड बनता है, रास का ब्रह्मांड बनता है, और उसके पश्चात ये जागने का ब्रह्मांड बनता है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अंदर अक्षर की आत्मा है आकर के अरब में कुरान का ज्ञान लाती है। उसके पश्चात परम धाम में जो जिनके साथ इस क्रबद हुआ था, जो सखिया ब्रजरास में थी, इस जागने के ब्रह्मांड में आती हैं। ईसा रूह अल्लाह श्री देवचंद जी के तन से तारतम ज्ञान अवतरित होता है,
और उसके पश्चात इल्मे लदुनी तारतम वाणी का अवतरण होता है। जो उस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे वे कब्र में नहीं सोएंगे, यानी जो तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर मूल मिलावे का ध्यान करेगा वह कभी भी कब्र में नहीं सोएगा। इसका तात्पर्य क्या है? उसकी सुरता योग माया में नूरी तन धारण करके अखंड हो गई। इसको कहते हैं कब्रों से मुर्दे का उठना। शरीर क्या है? मुर्दा। शरीर एक कब्र है जिसमें जीव सोया बैठा है, कुछ पता नहीं। तारतम ज्ञान के प्रकाश में वो जान जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब वो अक्षरातीत को अपना प्रीतम मानकर प्रेम से रिछाएगा तो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा, अखंड सुख प्राप्त होगा। इसको कहते हैं कब्रों से मुर्दों का उठना। ऐसा नहीं कि जो कब्र में किसी को हजार साल पहले गाड़ दिया गया है वो हजार वर्ष तक कब्र में पड़ा रहेगा। आज विज्ञान मानता है कि चेतन पदार्थ नष्ट नहीं होता। मुसलमान क्रिश्चियन कुरान का वास्तविक आशय नहीं जानते, इसलिए मानते हैं कि जो मर जाता है वो कब्र में ही पड़ा रहता है। यह बात श्री जी ने समझाई और कुरान की आयत का उदाहरण दिया कि किस तरह से मुर्दों से का कब्रों से उठना होता है। रुए तरवी फी लैलतुल मेराज, मेराज किस तरह से मोहम्मद की रूह को अल्लाह ताला का दर्शन होता है अति सुंदर स्वरूप का, जहाँ मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया और इतना अटूट विश्वास हो गया कि उसको लगा कि साक्षात अल्लाह ताला की शक्ति इस स्वरूप में कार्य कर रही है। अब जो शरीयत के मुसलमान थे उनको बहुत बुरा लगा। फतेह मोहम्मद जो वजीर था, प्रधानमंत्री था भाव सिंह का, उसने जान मोहम्मद से वार्ता की कि बताओ ये कौन है, क्या तुम तीनों लिखित में दे चुके हो कि हम इनको आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहती मानते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं। तब श्री जी से वार्ता होती है, श्री जी से के स्वरूप के बारे में जहान मोहम्मद पूरी बात बताता है और कुरान के सारे उदाहरण दे करके समझाता है। 40 हदीसें लाता है जहान मोहम्मद के पास फतेह मोहम्मद कि इसका यदि तुम अर्थ कर दोगे तो मैं समझूंगा कि सचमुच श्री जी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहती साहिब जमा है। श्री जी कहते हैं कि जान मोहम्मद मैं क्यों करूं, तुम क्यों न करोगे। जान मोहम्मद कहते हैं कि धामदनी मेरे पास तारतम ज्ञान नहीं है। तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं श्री जी पर अटूट निष्ठा और बढ़ती है और परिणाम यह होता है कि आप दीदार परवरदिगार उसकी सुरता परम धाम में पहुँच जाती है, साक्षात देख लेता है कि मूल मिलावा कैसा है, परम धाम की आत्मा है जहान मोहम्मद के अंदर। अब जहान मोहम्मद 40 हदीसों के अर्थ कर देता है, इसके पश्चात फतेह मोहम्मद को ईमान नहीं आता है, कहता है कि मैं मानता हूँ तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल सच है, लेकिन जब तक औरंगजेब बादशाह नहीं माने हम कैसे ईमान लाएंगे। जहान मोहम्मद कहता है कि तुम्हारा ईमान बादशाह पर है, अल्लाह ताला पर नहीं। यहाँ से विवाद बढ़ता जाता है। फतेह मोहम्मद पठानों को उकसाता है कि जहान मोहम्मद काफिर हो गया है, एक हिंदू वैरागी के चरणों में चला गया है, उसको समाप्त कर दो। एक दिन श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, आपको विदित है कि उदयपुर में भवानी भट्ट मिले थे, भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र लाए थे दक्षिण भारत से। श्री जी की चर्चा के साथ साथ वो भी बुद्ध स्तोत्र और बुद्ध गीता की कथा किया करते हैं। सभा चल रही है, मजलिस चल रही है, यानी चर्चा का कार्यक्रम चल रहा होता है। पठान लोग आ जाते हैं कि ऐ महात्मा जी आपको किसने कह दिया कुरान पढ़ने के लिए, आप हिंदू होकर वैरागी होकर कुरान क्यों पढ़ रहे हैं। जहान मोहम्मद को गुस्सा चढ़ा, अव्वल खान को गुस्सा चढ़ा और सभी ने उन पठानों को फटकार लगाई, पठान सभी भाग गए। सब सोचते हैं कि ये हो क्या गया है, हमारा हिंदू, हमारा जो गुरु था
वही एक वैरागी के चरणों में चला गया है। अब फतेह मोहम्मद सोचता है कि तीन ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, मुझे तब तक नहीं करना है जब तक औरंगजेब स्वीकार न करे। भाव सिंह कहते हैं कि धामधनी, मैं अब तलवार उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार थोड़ी सी झलक दिखा दीजिए ताकि मुझे और विश्वास हो जाए। ईश्वरी सृष्टि है, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक। जीव सृष्टि को तो पहले विश्वास नहीं होता, ईश्वरी सृष्टि को विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी पांव टकमगा जाते हैं। ब्रह्म सृष्टि धनी की एक पुकार सुनते ही तन मन धन सब कुछ निछावर कर देती है। अब भाव सिंह बार बार जिद करने लगे, श्री जी ने बहुत मना किया कि भाव सिंह अभी समय नहीं आया है कि तुमको कुछ अनुभव कराया जाए, अनुभव करने के लिए हृदय की निर्मलता का होना आवश्यक है, अहंकार का परित्याग होना आवश्यक है। जब तक हृदय में अहंग रहेगा, मन में विकार रहेंगे, समर्पण नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, तब तक दर्शन नहीं होता। यदि दर्शन जबरन कराया भी जाए तो जीव अपने विकारों के कारण उस दर्शन के लाभ को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाता है। यही हुआ, श्री जी ने जैसे ही उसको योग माया की हल्की सी झलक दिखाई, उसका तन पूरा हो जाता है। अब फतेह मोहम्मद क्या करेगा, वजीर था, कब्जा कर लिया, स्वयं बादशाह बन बैठा, राजगद्दी पर बैठ गया। अधिकतर इतिहास की यही घटनाएं हैं, हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो विभीषण को वहां का राज्य सौंपा, बाली को मारा तो सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। भारतीय इतिहास में जब तक ये रहा तब तक सारा देश एक झंडे के नीचे रहा। यदि अकबर इस देश में इतने बड़े राज्य की स्थापना कर सकता था तो महाराणा प्रताप भी कर सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप सूर्यवंशी थे। उनको याद था कि हमारे सूर्यवंश में कोई भी किसी का राज्य छीन कर अपना राज्य नहीं बनाता था, नहीं तो महाराणा प्रताप की तलवार में इतनी शक्ति थी सारे राजस्थान पर कब्जा कर सकते थे, वो भी अकबर की तरह महान बन सकते थे, लेकिन नहीं, अपने छोटे से राज्य पर महाराणा प्रताप संतोष करते रहे, लेकिन पराए किसी कमजोर राजा को हरा कर उसका राज्य अपने में नहीं मिलाया। लेकिन मुगल तो उनकी संस्कृति है, शुरू से लेकर अब तक दूसरे का राज्य लूटो और उस पर कब्जा जमा लो, ये हमारी आर्य संस्कृति नहीं है कि दूसरे के धन पर कब्जा करना। अब फतेह मोहम्मद ने गद्दी पर बैठते ही चारों तरफ आदेश कर दिया कि जितने वैरागी जहां भी हैं सबको पकड़ लो और जेल में डाल दो। मंदसौर में भी यही हुआ था, औरंगाबाद में भी यही। आप देखिए सब सुंदर साथ छिप जाते हैं। श्री जी क्या करते हैं, फतेह मोहम्मद के पास एक राज्य का बड़ा अधिकारी है, उसके मकान के पास एक मुल्ला का मकान था, श्री जी उसी में चले जाते हैं लालदास जी के साथ और कुरान की टीका करते हैं। सब सुंदर साथ पूरे औरंगाबाद नगर में चारों तरफ फैल जाते हैं। राज्य की ऐसी विचित्र लीला होती है कि कोई भी सुंदर साथ पकड़ में नहीं आता। भवानी भट्टी एक बार पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन चालाकी करके सैनिकों से छूट कर भाग जाते हैं। जहान मोहम्मद श्री जी को खोज रहा है कि चप्पे चप्पे पर सेना लगी हुई है, फौज लगी हुई है फतेह मोहम्मद की, सबको खोजा जा रहा है, श्री जी कहाँ है। फतेहउल्लाह के मकान पर जब आता है जहान मोहम्मद तो देखता है कि श्री जी तो मुल्ला से कुरान की टीका करवा रहे हैं। जहान मोहम्मद कहते हैं कि धामधनी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि आप दज्जाल के पास घर के पास बैठे हैं, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर फौज खोज रही है सबको, यहाँ से निकल जाइए। 3 दिन तक कुरान की टीका होती रहती है। अब रात्रि को श्री जी सब सुंदर साथ के साथ निकल जाते हैं, फौज खोजती रह जाती है और सारे सुंदर साथ इकट्ठा होकर
सवेरे होते होते 7 कोस निकल जाते हैं, फिर मिले कहाँ? क्योंकि ये जहान मोहम्मद है। देखिए मुसलमान तो मोगड़ी होते हैं, लेकिन जब विश्वास लाते हैं तो अटूट विश्वास भी लाते हैं। हिंदू अपने ईमान से काफ़ी कुछ भटक चुका है। आपने अव्वल खान के बारे में सुना, जब उदयपुर में पहचान किया तो अपने चाबुक से अपने को मारने लगता है, और जहान मोहम्मद को जब पठानों ने रोका उनसे झगड़ा करने लगा, झगड़ा करने लगते हैं, सोचते हैं कि जहान मोहम्मद की ही हत्या कर दें, क्योंकि ये हमारा गुरु होकर एक हिंदू वैरागी के पास शिक्षा लेने जाता है तो क्यों नहीं इसी को समाप्त कर दें। श्री जी ने मना किया कि उनसे मत उलझा करो, ये पठान खुंखार होते हैं। जहान मोहम्मद कहता है कि धाम धनी, मैंने आपको पहचाना है, मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नैन, तहां खतरा होते ए मुखते न कहो बैन। आपको मैंने परवरदिगार के रूप में पहचाना है इन नैनों से। आप कहते हैं कि मैं उनसे लड़ू नहीं, आपके लिए वो ऐसे अपशब्द बोल रहे थे इसलिए मैंने उनसे लड़ाई कर ली। तहां खतरा होते ए मुखते न कहो बैन, आप ऐसा न कहिए कि मैं चुपचाप पढ़ रहा हूँ, ये पठानों को मैंने पढ़ाया है, और यदि ये आपका विरोध करते हैं तो मैं इनसे विरोध करूँगा। ये जहान मोहम्मद का त्याग है। अब सब सुंदर साथ औरंगाबाद से चल देते हैं, उज्जैन पहुँचते हैं। उज्जैन में 22 दिन रहते हैं। 22 दिन का प्रसंग पूरे बीतक में 4 बार आता है। सिद्धपुर में श्री जी 22 दिन रहे, उज्जैन में 22 दिन रहे। मिहराज को श्री देवचंद जी ने बुलाया तो वहाँ भी 22 दिन रहते हैं। 4 जगहों पर 22 दिन का प्रसंग आता है। अब श्री जी उज्जैन से नौलाई आते हैं और उसके पश्चात रामनगर आते हैं। तरह तरह जैसा सुंदर साथ ने कष्ट झेला था, वहाँ से औरंगाबाद से रामनगर आते आते आकोट में आते हैं। आकोट में कुछ विचित्र घटनाएं घटी जाती हैं। सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगता है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कष्ट ही कष्ट हो रहा है। दिल्ली में गए वहाँ यातना सहनी पड़ी। उदयपुर में वैरागी भेष धारण करना पड़ा। मंदसौर में 8 महीने भिक्षा मांगनी पड़ रही है। औरंगाबाद में आए हैं यहाँ संकट, और आकोट में हुआ क्या, मिर्गी की बीमारी फैल जाती है। एक को ले जाते हैं श्मशान घाट में दाह क्रिया करके आते हैं, दूसरे तब तक दूसरे की मृत्यु हो जाती है। और आप जानते हैं मिर्गी की ये बीमारी क्यों फैली। अभी मच्छरों का आतंक होता है, आप क्या करते हैं, कीटाणुनाशक पदार्थ अग्नि में डलाते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ की परंपरा थी, प्रत्येक गृहस्थ अपने घर में वेद मंत्रों से आहुति देता था सुगंधित पदार्थों की। तो जब वायुमंडल में कोई रोग के कीटाणु ही नहीं रहेंगे तो रोग क्यों होगा। इसलिए प्लेग की, मिर्गी की, तरह तरह की महामारी फैलती थी, और जब प्लेग फैलता था तो गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। कोई अर्थी को कंधा देने वाला भी नहीं मिलता था। जब से इस देश में यज्ञ की परंपरा नष्ट हो गई, वातावरण में अशुद्धि फैल गई, तब से क्या हो गया, रोग ही रोग घर कर गए। अब श्री जी सबको विश्वास दिलाएंगे आकोट में, सबका ईमान डगमगा जाता है। श्री जी पूछते हैं कि ये बताओ, मैं मानता हूं कि तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, और मैं भी एक साधारण सा मनुष्य हूं, तुमको किसने बताया। श्री राजश्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भयता कंचन नौको सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाणे। किसने बताया कि अक्षर अक्षर के पार है पी अक्षरातीत आधार। क्या ये ज्ञान नारायण के पास है। जो नारायण के पास नहीं वो ऋषि मुनियों के पास कैसे होगा। जो ऋषि मुनियों के पास नहीं होगा वो सामान्य व्यक्तियों को कैसे मालूम हो जाएगा कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, परब्रह्म की लीला क्या है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सुसुद अक्षर को नहीं जो किन्वित केल करत,
जब अक्षर ब्रह्म को यह पता नहीं है कि परमधाम की लीला क्या है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार क्या है, तो संसार को कैसे मालूम हो सकता है। ब्रज में जाहिरी लीला हुई, अगासुर आता है, बकासुर आता है, सब असुरों को राज्य की कृपा दृष्टि से समाप्त किया जाता है। वो लीला तो सबने देख ली, वो जाहिरी लीला थी। बातिनी लीला क्या है कि आपके हृदय मंदिर में राज्य ने परम धाम का सारा खजाना दे दिया है कि यहीं से बैठे बैठे परम धाम को देखिए। श्री जी बताते हैं कि ये बताओ सब लोग कि मृगी की बीमारी इस आकोट में आई थी, किसकी कृपा ने सबकी रक्षा की? मंदसौर में चप्पे चप्पे पर फौज खड़ी है, एक भी सुंदर साथ पकड़ा नहीं गया। औरंगाबाद में पकड़ा नहीं गया, 3 दिन तक फौज खोजती रही और किसी को पकड़ नहीं पाई, किसकी कृपा से? उदयपुर में औरंगजेब के आक्रमण होने से पहले सब सुंदर साथ को निकाल लिया गया। तो सबको विश्वास जगा। इसी के साथ एक और घटना घटित होती है आकोट में। बरार प्रज्ञ का एक पंडित होता है, सुखदेव ब्राह्मण उसका नाम है। श्री जी नदी के किनारे स्नान कर रहे होते हैं। श्री जी की चर्चा से वो इतना प्रभावित हो जाता है क्योंकि बरार प्रज्ञ के हाकिम का उस सेवक था वह पंडित। श्री जी पर इतना न्योछावर हो जाता है, केवल एक बात उसको याद आती है, हुआ है तुमसे, होगा तुमसे, केवल तुम ही तू हो, तू ही तू गाने लगता है। श्री जी को देख रहा है कि नदी के उस पार श्री जी बैठे हैं, नदी को पार करने लगता है। उसको सुध ही नहीं कि मैं नदी में डूब जाऊंगा और डूब जाता है। सुंदर साथ उसको निकालते हैं, किसी तरह से पेट से पानी निकाला जाता है, उसकी प्राण रक्षा की जाती है। होश में आता है तभी, केवल तुम ही तो हो, तू ही ने ही खेल मंगाया है, तू ही ले चलेगा। बस उसको प्रेम की ऐसी मस्ती चढ़ती है, केवल तू ही तू बोलता रहता है। ये लीला क्यों कराई गई? ब्रह्मशिष्टियों को लज्जित करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मशिष्टियों ने कहा था कि राजी 100 बार देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। आज ब्रह्मशिष्टियों को परमधाम की चितवनी अच्छी नहीं लगती, युगल स्वरूप से प्रेम नहीं है, हकी स्वरूप से प्रेम नहीं। एक ईश्वरी सृष्टि सारी ब्रह्मशिष्टियों को चुनौती दे रही है कि उसको इतनी भी चिंता नहीं है कि नदी पार करने के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करना है कि ये नदी में हमारे डूबने लायक पानी है। स्वयं को निछावर कर दिया, उसकी सुरता अक्षरधाम तक पहुँच गई थी। श्री जी ने जैसे ही उसकी सुरता को वहाँ से खींचा, उसने तन छोड़ दिया। आकोट में सब सुंदर साहत को विश्वास आया, मिर्गी की बीमारी को भी श्री जी ने ठीक किया अपने हुक्म के बल से। वहाँ से श्री जी ने वहाँ से पास में खुल्दाबाद एक स्थान है, दौलताबाद, जहाँ औरंगजेब की समाधि है, वहाँ औरंगजेब का सैनिक शिविर था, वहाँ की फौज डेरा डाले पड़ी थी। वही काजी शेख इस्लाम जिससे दिल्ली में 12 सुंदर साथ ने बहस की थी, वहाँ भी था। लालदास जी पैगाम लेकर के जाते हैं श्री जी का, वहाँ बहस होने लगती है। काजी शेख इस्लाम को लगा कि ये हिंदू बैरागी जब देखो तब कुरान की बात छेड़ देते हैं, उत्तर तो आता नहीं, और सारे देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसको बात बहुत बुरी लगती है कि ये हिंदू बैरागी जब देखो तब हमारा सिर नीचा कर देते हैं, इससे अच्छा है कि इनको मरवा दो। जब मुसलमान ज्ञान में नहीं जीतते हैं तो एक ही बात उनको आती है कि यह व्यक्ति हमारे इस्लाम के लिए खतरा है, इसको समाप्त कर दो। श्री जी की प्रेरणा से लालदास जी सावचेत हो जाते हैं और वहाँ से अपनी जीवन की रक्षा करके चुपचाप चले आते हैं। श्री जी ने संदेशा भेज दिया कि लालदास पानी भी नहीं पीना है, तुरंत वहाँ से आ जाओ, क्योंकि ये काजी शेख इस्लाम की नियत बिगड़ चुकी है। सब सुंदर साथ पर राज्य की पल पर नजर रहती है। श्री महमद कहे ए मोमनो तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य की कृपा बरस रही होती है।
अब श्री जी वहाँ से चलते हैं सब सुंदर साथ के साथ, एलजपुर होते हुए रामनगर आते हैं केतकी नदी के किनारे। मार्ग में एलजपुर में एक किसान मिलता है जिसकी मक्का बहुत हुई होती है, ज्वारी, देसी मक्के को ज्वारी कहते हैं। कहता है कि श्री जी आप हमेशा यहीं रहिए, मैं आपको मक्के के भुट्टे खिलाऊंगा, रोटी खिलाऊंगा, मक्के के कई चीज़ व्यंजन बनते हैं, भाव है उसके अंदर, भले ही गरीब है तो क्या, उसके अंदर दृढ़ निष्ठा है, अटूट भाव है, और मक्के के तरह तरह के व्यंजन बनाकर श्री जी को खिलाता है। श्री जी उसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सब सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, एक सफ़ेद घोड़े पर श्री जी को विराजमान कर दिया गया है, श्री जी उस पर चल रहे हैं, साथ में सब सुंदर साथ हजारों की संख्या में अब हो गए हैं, पैदल चलते हैं, भोर में चल देते हैं, 9-10 बजे तक पहुंच जाते हैं, कहीं बाग में ठहर जाते हैं, दिन भर वहां रहते हैं, रात को विश्राम करते हैं, भोर में 3-4 बजे चल देते हैं, पैदल चलना है। खाने के लिए क्या है, भिक्षा में जो मिल गया सब भिक्षा मांगने जाते हैं, और जो भी मिला सब बांट बांट करके खाते हैं। आप सोचिए आप सुंदर साथ को राज्य ने कितनी शोभा दी है, आप अपने घरों में आज आराम कर रहे हैं, हर तरह के ग्रंथ आपको उपलब्ध हैं, आज तो विज्ञान का युग है। एक जगह चर्चा होती है, कुछ ही देर में पूरे देश में फैल जाती है। उस समय तो कोई साधन नहीं था, न आने जाने का, न इलेक्ट्रॉनिक युग भी नहीं था, आजकल की तरह साहित्य भी नहीं था, कितने कष्टों से परमधाम की जो वाणी अवतरित हुई, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ सबने त्याग किया कि हम धाम धनी की वाणी को संसार में फैलाएं। सबने अपना घर द्वार छोड़ रखा है, चाहे लालदास जी हों, भीम भाई हों, सब भिक्षा मांग मांग कर लाते हैं और भोजन करते हैं। आज देखिए हम सब सुंदर साथ कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में थोड़ी भी कमी हो जाए तो नाराज हो जाते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, हम चले जाएंगे। उन सुंदर साथ की भी देखिए कितना भी कष्ट होता है, रहने के लिए कोई छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो मिला खाया, सबको एक ही लगन है कि हमें ब्रह्मवाणी फैलानी है। केतकी नदी के किनारे डेरा डालते हैं श्री जी, सब सुंदर साथ हवेली बना देते हैं जिसमें भाई जुराज और श्री जी को ठहराया जाता है। सुंदर साथ भी वहाँ ठहरते हैं। रामनगर में कुछ लोग आने लगते हैं, हरि सिंह है, सुजान सिंह की सोहबत से हरि सिंह श्री जी के पास आते हैं, बाहरी पहचान है, उनको कोई संसारिक कष्ट है। श्री जी सहित सब सुंदर साथ को घर पर ले जाते हैं, न्योता देते हैं, और आप देखिए अपने अंकुर के अनुकूल ही कोई ले सकता है, बिन अंकुरे क्या करे, सुख लिख्या नहीं ताले मिले। सब सुंदर साथ को बहुत श्रद्धा से भोजन कराते हैं हरि सिंह। श्री जी ने सोचा कि आज यदि ये मांगे कि परम धाम दिखा दो तो मैं इसको दिखा दूंगा। जब अकेले अटारी पर ले जाकर बैठाता है, रो रो कर प्रार्थना करता है कि धाम धनी हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, श्री जी कहते हैं कि जो मांगेगा आज इसको दे देंगे। क्या कहता है, हमारे ऊपर संकट आने वाला है एक मुकदमे का, आप कृपा कीजिए कि मेरे मुकदमे में जीत हो जाए। श्री जी कहते हैं कि सचमुच जीव सृष्टि होती है, आज ये परम धाम को दिखाने के लिए कहता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन नहीं, सूरज उगता है तो उसका प्रकाश अवश्य फैलता है। अब वहाँ श्री जी की चर्चा शुरू होती है, रामनगर के अधिकतर लोग आने लगते हैं, और जैसे ही आपको विदित है कि श्री जी जहाँ भी जाएंगे वहाँ मुगल सेना पीछा नहीं छोड़ती है। जब श्री जी रामनगर में रहते हैं तो पुर्दन खान ने अपने एक सेनापति खिचर खां को भेजा।
कि जाओ देखो ये कुछ वैरागी आए हैं, केतकी नदी के किनारे रह रहे हैं, उनको पकड़ कर ले आओ। पुरदल खां का भेजा हुआ सेनापति खिज्र खां, शेख खिज्र दंदनाते हुए आता है और आते ही राजा से कहता है कि राजा सुना है तुम्हारे नगर में केतकी नदी के किनारे पर कुछ वैरागी ठहरे हुए हैं, मुझे उन्हें पकड़ कर ले जाना है। शेख खिज्र कहता है कि मैं मुझे उनको ले जाऊंगा, तो रामनगर का राजा कहता है कि चले जाओ, वो तो वहीं किनारे पर हैं। पहले पत्र भेज दिया था और रामनगर के राजा ने बार बार अपने संदेशवाहक भेजा कि किसी भी तरह से इन जो बैरागी हैं इनको कह दिया जाए कि भाई अभी कुछ दिनों के लिए चले जाओ, दोबारा बाद में आ जाना, क्योंकि जब मुगल फौज आ जाएगी तो मैं रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन श्री जी ने क्या कहा, श्री जी कहते हैं कि भाई आने तो दो उसको, मैं स्वयं बात कर लूँगा। कई बार संदेश देने के बाद भी जब देखा कोतवाल को बार बार भेजता है, कोतवाल दो दो बार आकर कह जाता है कि महात्मा लोग आप कुछ दिनों के लिए चले जाइए, सब सुंदर साथ से श्री जी का एक ही उत्तर है कि हम तो नहीं जाएंगे, जो भी मुगल सेनापति आया है उसको हमारे सामने आने दो। अंत में हार करके वहाँ का राजा, रामनगर का राजा सोचता है कि हमने तो जितना समझाना था समझा लिया, जब इनको यहाँ से छोड़ करके जाना ही नहीं है तो जो भी है अब देखा जाएगा। शेख खिज्र जैसे ही आता है राजा कहता है कि जाओ केतकी नदी के किनारे हैं उनको पकड़ लो। हिंदू राजा का उत्तरदायित्व होता था कि वो अपने राज्य के महात्माओं की रक्षा करे। शेख खिज्र को कुछ शक हुआ कि दाल में कुछ काला है, एक हिंदू राजा जीते जी अपनी आंखों के सामने हिंदू महात्माओं को मुसलमानों की कैद में सहन नहीं कर सकता है, चाहे उसको अपनी जान लगानी पड़े, ये कह रहा है कि जाओ उनको पकड़ लो, किसी कारण से कह रहा है। अंत में जैसे ही खिज्र खां को ये बात कहता है, उसका सैनिक होता है एक भिखारी दास, भिखारी दास ने कहा कि आप न जाइए, पहले मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ कि वास्तविकता क्या है। और भिखारी दास के साथ दो और आदमी कर देता है कि सच्चाई को जानने के लिए। भिखारी दास आता है, श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है और पूछता है कि आपका परिचय क्या है। श्री जी कहते हैं कि यदि मेरा परिचय जानना चाहते हो तो तुम बैठ करके चर्चा सुनो। भिखारी दास श्रद्धापूर्वक 3 दिन चर्चा सुनता है। श्री जी तारतम ज्ञान के प्रकाश में उसको भागवत से समझाते हैं, कुरान से समझाते हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसको विद्या अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, कुरान में उसको आखरुल जमा इमाम मेहदी कहा गया है, जिसको नूर जमाल कहते हैं कतेब में, हिंदू धर्म ग्रंथों में उसको अक्षरातीत कहते हैं, जिसको नूर जलाल कतेब ग्रंथों में कहा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में उसको अक्षर कहा गया है, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में आदि नारायण कहा गया है उसको कतेब ग्रंथों में नूरी अजाजील कहा गया है। जो कुछ कहया कतेब ने सोई कहया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिन पाए वेद। दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि सत्य का बोध नहीं है। अब भिखारी दास को पहचान हो जाती है कि यही साक्षात परमात्मा की शक्ति के स्वरूप हैं, इनके अंदर परब्रह्म की आवेश शक्ति लीला कर रही है और मुसलमान भी इन्हीं की बाट देख रहे हैं कि कब इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति आएगी जो क़यामत के समय में कुरान के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करेगी। भिखारी दास वापस लौटते हैं, शेख खिज्र के पास जाकर कहते हैं कि खिज्र साहब अब कौन आया है, मैं देख्या हादी जमाने का, हादी आए हैं, स्वयं आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा आए हैं,
यह बात सुनते ही खिचर खां को सब कुछ समझा देते हैं भिखारी दास, क्यामत के सातों निशानों का वर्णन कर देते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों से कुरान के द्वारा सारी साक्षी दे देते हैं। और इसके पश्चात जब शेख खिचर को विवेक होता है तो अपनी सारी सेना को आदेश देता है कि चलो सभी मिलकर उन परवरदिगार का दर्शन हमें करना है, क्योंकि भिखारी दास अकेले नहीं थे, सैयद अब्दुल रहमान को भी भेजा था और रघुनाथ को भी भेजा था, एक हिंदू को भेजा एक मुस्लिम को भेजा था, ताकि कल कहीं ऐसा तो नहीं है कि भिखारी दास ही झूठ बोल दे। राजनीतिक प्रबंधन में ऐसा ही होता है, पता नहीं कब कौन क्या बात कह दे और उसका क्या परिणाम हो। उन दोनों ने भी साक्षी दी, अब्दुल रहमान ने भी और रघुनाथ ने भी, कि हाँ सेनापति ऐसे ही है, ये भिखारी दास जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब दंदनाता हुआ आता है शेख खिचर। अष्टपहर की लीला में भिखारी दास जी का भी नाम आएगा। सेवा करते करते भिखारी दास ने अपना तन छोड़ा, अपना पूरा परिवार लाते हैं श्री जी के साथ, चल पड़ते हैं, वही भिखारी दास जो आए थे श्री जी को पकड़ने के लिए। शेख खिचर आ रहा है और श्री जी देखते हैं कि देखो कैसी विचित्र लीला है, परम धाम की ब्रह्मात्मा मुझको ही पकड़ने के लिए आ रही है। एक ब्रह्म सृष्टि है, ठठे नगर में महंत बनी बैठी है, एक सेठ बनी बैठी है, अब्बासी बंदर में भी सेठ बनी बैठी है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं सेठ के रूप में है, कहीं कंगाल के रूप में है, यही तो माया का खेल है। सभी माया के खेल में भूल गए हैं। आइया छल देखने, तुम आइया छल देखने, भिल गैया माए छल। सभी, किसी को पता ही नहीं कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। सेठ बना हुआ सोचता है मैं सेठ हूँ, महंत बना हुआ सोचता है कि मैं महंत हूँ। अब भिखारी दास आते हैं, श्री जी को अपनी परंपरा के अनुसार अभिवादन करता है, चर्चा सुनता है, चर्चा सुनते हैं उसको अटूट विश्वास हो जाता है, पूरी सेना के साथ तारतम ग्रहण करता है। आप सोचिए, मुगल फौज आती है श्री जी को पकड़ने के लिए और चर्चा सुनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है, सभी उनके चरणों में आकर के तारतम दे लेते हैं। इसी समय बेदड़े के कुछ मुसलमान आते हैं, वो सोचते हैं कि हम इन हिंदू बैरागियों को कैद करके औरंगजेब तक पहुंचा देंगे तो हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जब आकर के शोर मचाते हैं कि तुम हिंदू होकर के तफ़सीर हुसैनी क्यों पढ़ते हो, कुरान क्यों पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। शेख को गुस्सा चढ़ता है कि ये आकर के यहाँ इनको बोलने का क्या अधिकार है, शेख के सिख खिजर के पास फौज है। सब अपने सैनिकों को बोला कि इनको डंडे लगाओ। अब सेना के सामने वो मुसलमान कहाँ ठहरते हैं, सब पर मार पड़ी तो सारे भाग छूटे, कहते कि क्या हो गया है, हमारा ही मुसलमान भाई हमें ही मरवा रहा है, लगता है कि उल्टी गंगा यहाँ तो बह गई है। अब शेख खिजर को जाना है पुर्दल खान के पास, क्योंकि पुर्दल खान दक्षिण का एक बहुत बड़ा प्रशासन का अंग था। मुगल सम्राटों ने देश को कई भागों में बांट रखा था, वहाँ अपने अपने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, उनके हाथ में सेना थी, क्योंकि आजकल की तरह संसाधन तो होते नहीं थे। आज तो दिल्ली में बैठे हैं, फ़ोन से सीधे जान सकते हैं कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये बंगाल में क्या हो रहा है। उस ज़माने में तो घोड़े पर चढ़ करके जा सकते थे, बहुत मुश्किल से आना जाना होता था, इसलिए देश को कई भागों में बांटकर एक एक भाग का किसी को अधिकारी बना दिया जाता था, जिसको सूबेदार कहते हैं। पुर्दल खान वही था। पुर्दल खान ने अपने सेनापति खिजर खां को भेजा था, शेख खिजर को भेजा था कि जाकर वैरागियों को कैद कर लो। शेख खिजर पूछता है कि श्री जी, मैंने तो आपको पहचान लिया कि आप ही परवरदिगार आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जुबा हैं,
जमा है, बताइए मैं क्या लिखूं, क्योंकि औरंगजेब के पास तो मुझे लिख करके देना होगा। श्री जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, जो तुम्हारी आत्मा ने अनुभव किया है वह तुम बता दो कि तुमने यहाँ आकर के क्या देखा, मुझे किस रूप में पहचाना। अब शेख खिज्र अपनी सेना लेकर वापस चला जाता है, पुरदल खान को लिख करके दे देता है, और भिखारी दास शेख को पहुँचा कर वापस आते हैं, पूरा परिवार अपने साथ लाते हैं, श्री जी के चरणों में सौंप देते हैं, और पन्ना जी तक पहुँच कर सेवा करते करते अपना तन छोड़ते हैं। ये ब्रह्मशिष्ट की पहचान है। अब पुरदल खान के खानदान का कोई था, उसने धमौनी से कुछ लोगों को लेकर, मुसलमानों को लेकर के सुंदर साथ पर हमला करने का निर्णय लिया। आकर के राजा को फिर धमकाता है पुरदल खान के खानदान का कि केतकी नदी के किनारे पर जो बैरागी हैं उनको तुम पकड़ कर मुझे दे दो। वह सोचा कि चलो सेनापति ने काम नहीं किया, मैं तो उनके खानदान का हूँ, मुझे ये काम करना है, क्योंकि मुसलमानों को कुरान की आयतों का उल्टा अर्थ करके ये भड़काया जाता है कि देखो गैर मुस्लिम को तुम इस्लाम के झंडे के नीचे लाओगे तो खुदा तुम्हें सबाब देगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी नीति लगानी पड़े, सबको इस्लाम के झंडे के नीचे लाओ। अब श्री जी देखते हैं कि एक एक समस्या आती है, सबका समाधान होता है, और उधर रामनगर का राजा सोचता है कि ये बैरागी क्या हमारे राज्य में आ गए, हर दिन आफत बनी रहती है। अभी शेख खींच गया, ये दूसरा आ गया, ये भी कह रहा है कि पकड़ कर दो, इससे तो अच्छा है कि इन महात्माओं को यहाँ से चले जाना चाहिए, जब तक ये रहेंगे मेरे ऊपर संकट आता रहेगा। क्योंकि इसके पहले एक विशेष घटना होती है, शेख खिज्र को रामनगर का राजा हंसी उड़ाता है, शेख खिज्र तुम तो पकड़ने आए थे इन वैरागियों को, क्या हो गया, तुम तो लगता है कि उनके मुरीद बन गए हो, उनसे दीक्षा ले लिए हो, कहते हो कि ये अल्लाह ताला है, एक हिंदू वैरागी में तुम्हें अल्लाह ताला नजर कैसे आने लगा। शेख खिज्र कहता है कि क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था राजा कि इनके अंदर अल्लाह ताला की शक्ति है, लेकिन बदनसीब तो तुम हो, हिंदू तन में वे हैं, तुम उनकी पहचान नहीं कर सकते। जब शेख खिज्र शर्मिंदा करता है तो राजा सोचता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। भोजन के लिए सब सुंदर साथ को रामनगर का राजा आमंत्रित करता है, लेकिन राजा के जो पंडित होते हैं उन्होंने राजा को इतना भड़का रखा है कि देखिए आप उन बैरागियों के पास बैठना नहीं, आप बैठेंगे तो एक राख होती है भुरकी, वो आपके सिर पर डाल देंगे, तो आप भी कहने लगेंगे कि आप ही यही साक्षात परमात्मा है। देखिए शेख खिज्र बैठ गया, उनके ऊपर भुरकी डाल दी, तो शेख खिज्र मुसलमान होते हुए भी कहता है कि ये अल्लाह है, अल्लाह ताला है, ये आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज जमा है, आप भी राजपाट छोड़कर इनके चरणों में चले जाओगे। बाग में भोजन के लिए बुलाता है, भाव नहीं है, केवल बदनामी से बचने के लिए कह देता है कि मैं भी उनका दर्शन करूंगा। दूर से खड़ा हुआ रामनगर का राजा श्री जी को निमंत्रण करने के नाम पर बुलाता है और भोजन कराता तो है लेकिन भाव नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम, जो कबू किन कानों ना सुनी सो करो दीदार कसम, कई देव दानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणो सो इत मिल्या नार। इससे बड़ी बदनसीबी क्या, साक्षात प्रियतम परब्रह्म के चरण आए हैं लेकिन एक राजा अपने पंडितों के बहकावे में उनके चरण कमलों की छत्रछाया से दूर रहता है, क्योंकि जीव सृष्टि है परम धाम का अंकुर नहीं,
परमधाम का अंकुर जिसमें होगा वो तो वासना होएगी बेहद की सो एक लवे होसी टुक टुक। जीव सृष्टि को हजार बार भी समझाइए उसके अंदर विश्वास नहीं होता है। ये कीर्तन सुनिए। सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम, जो कब कानों ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम, कई देव दानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार, कई देव दानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवनो सो इत मिला नर ना। सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम, करे अनेकों बंदगी इश्क लिया कई जन, करे अनेकों बंदगी इश्क लिया कई जन, तिन का होना नजिक सो इत मिला सबन। सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम, चौदे तबक के खावंद कर कर गए उपाय, चौदे तबक के खावंद कर कर गए उपाय, तित परदा सबनन पर सो इत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम,
आप इमाम अजू गोप है, होत आगे रोशन नूर। आप इमाम अजू गोप है, होत आगे रोशन नूर। रात अंधेरी क्यों रहे जब हो गया कायम सुर। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम। जो लो थे पर दे मिने दुनिया जी तब, जो लो थे पर दे मिने दुनिया जी तब। सो पर्दा अब खोलिया दिया मन चाहा सुख सब। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानों ना सुने सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं, भाग बड़े हैं तुम। एक सीमा में ही होती है। जो सर्वशक्तिमान है वो देख रहा है कल को क्या होना है। अभी विक्रम संवत 1740 का समय होने जा रहा है। कई वर्ष पहले छत्रसाल जी जब सोए होते हैं एक दिव्य पुरुष आकर उनको मोहर भेंट में देता है और कहते हैं कि छत्रसाल अब मैं तुमसे मिलने के लिए चल चुका हूँ। नींद खुलती है तो देखते हैं कि सचमुच मोहर पड़ी है, उसको छत्रसाल जी अपने गले में डाल लेते हैं। छत्रसाल जी ने अभी प्राणनाथ जी के बारे में कुछ सुना नहीं है। और इधर जो दीवान देवकरण है इनकी भेंट होती है। छत्रसाल जी के भतीजे हैं देवकरण जी, रामनगर में श्री जी से मिलते हैं। श्री जी पूछते हैं कि यहाँ तुम कैसे आए। देवकरण जी कहते हैं कि एक बात पर घर में नाराजगी हो गई थी और मैं रामनगर आ गया था। सुजान सिंह की संगति से श्री जी के चरणों में आते हैं देवकरण जी। श्री जी कहते हैं कि नहीं देवकरण, तुमको तो राज जी ने भिजवाया है, क्योंकि अब तुम्हें संदेशवाहक होकर महाराजा छत्रसाल जी के पास जाना होगा। उनके अंदर शकुंडल की आत्मा है, लीला रूप में बाह्य रूप से श्री जी ने छत्रसाल जी से कोई बात नहीं की है, कोई जानकारी नहीं। अंदर बैठे हुए राज जी का अवेश रूप जानता है शकुंडल कौन है, सकुमार कौन है। श्री देवचंद जी ने कहा था कि इन दोनों के जागृत होने में इतना समय लग जाएगा कि जब तक ये दोनों जगेंगे तब तक सारी ब्रह्म सृष्टि जागृत हो जाएगी। सकुमार की आत्मा औरंगजेब के अंदर है, लेकिन इस्लामिक कट्टरता इतनी उसके अंदर घर कर गई है कि वो जान सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब शकुंडल की आत्मा छत्रसाल जी के अंदर है।
महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेश लेकर के, अब दीवान देवकरण जी को जाना है। इधर श्री जी ने पहले लालदास जी को कहा था कि देखो लालदास जी, औरंगजेब को पुनः पैगाम देना होगा। लालदास जी कहते हैं कि धामदेनी, जैसा आपका आदेश, यदि स्वीकृति हो तो मैं कुरान देखूं। कुरान के 16वें पारे में हारून और फिरौन का किस्सा है। उसमें ये वर्णन किया गया है कि मूसा पैगंबर की चमत्कारिक लाठी से हारून ने अपनी उम्मत को दरियाए कुलजम के ऊपर पार कर लिया, क्योंकि मूसा ने अपनी चमत्कारिक लाठी से पुल बना दिया था। फिरौन की सेना जब उस पर चढ़ी और कुलजम नदी को पार करने का प्रयास किया, तो मूसा पैगंबर ने अपनी चमत्कारिक लाठी से उस पुल को अदृश्य कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारी फिरौन की सेना दरियाए कुलजम में गर्क हो गई। मूसा पैगंबर ने कहा था कि अल्लाह से कि मुझे मेरा भाई मिलना चाहिए, जब वो मेरा मिलेगा तो मैं फिरौन का मुकाबला कर सकता हूँ। मूसा पैगंबर को जब हारून मिलता है तो फिरौन की सेना को नष्ट किया जाता है। अब ये घटनाक्रम क्या है? मूसा कौन है? श्री प्राणनाथ जी। हारून कौन है? महाराजा छत्रसाल। फिरौन कौन है? औरंगजेब बादशाह। ये बातिनी अर्थ है। दरियाए कुलजम क्या है? ये तारतम बाड़ी है। ये तारतम बाड़ी ब्रह्मसृष्टियों को भवसागर से पार करके परम धाम ले जाएगी, और जो माया की शक्ति है सभी इसके प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। फिरौन यानी शैतानी शक्तियाँ, जो मायावी शक्तियाँ हैं, सभी इसके प्रभाव से निष्फल हो जाएंगी। ये बातिनी रहस्य कुरान के अंदर दिया गया है। अब श्री जी रामनगर से चलकर पन्ना जी के लिए प्रस्थान करते हैं। दीवान देवकरण जी वहाँ से चल देते हैं। एक घटना होती है कि जब श्री जी गढ़ा पहुँचते हैं रामनगर को छोड़कर, तो रामनगर के राजा ने क्रोध में आकर श्री जी जिस हवेली में ठहरे थे उस हवेली को गिरा दिया। ऐसे राजा थे। मनुष्य का जब आध्यात्मिक उत्थान होता है तभी उसका राजनीतिक उत्थान भी होता है। हिंदू राजाओं में श्रद्धा समर्पण भक्ति की कमी हो गई थी, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं पतन का दिन देखना पड़ा था। यदि हिंदू राजा वेद शास्त्र पढ़ते, एक परमात्मा पर निष्ठा रखते, तो नहीं मुझे लगता कि हजार वर्षों की गुलामी इस देश को देखनी पड़ती। अब श्री जी रामनगर में 2 वर्ष लीला करने के पश्चात वहाँ से प्रस्थान करते हैं। दीवान देवकरण जी को बहुत खुशी है, क्योंकि दीवान देवकरण जानते हैं कि मेरे चाचा महाराजा छत्रसाल जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की उनको मुहर मिली है, उसको गले में डाले रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के भी जीवन की विचित्र कहानी है। परमधाम की सकुंडल आत्मा उस तन में है। सारंधा माता है और पिता है चंपत राय। औरंगजेब को सिंहासन पर बैठाने वाले चंपत राय और सारंधा ही थे, अन्यथा दारा सिखों की सेना बहुत मजबूती से खड़ी थी। सारंधा ने एक सेना की टुकड़ी लेकर दारा सिखों की सेना पर ऐसा हमला किया था कि दारा सिखों की सेना के पांव उखड़ गए थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, चंपत राय का एहसान भुला बैठा और सारंधा और चंपत राय को पकड़ने के लिए उसने मुगल सेना पीछे लगा दी। परिणाम यह हुआ, मुगल सेना से अपनी रक्षा के लिए सारंधा और चंपत राय, जब चंपत राय बीमार से ग्रसित थे, चला नहीं जा रहा था, उस अवस्था में दोनों ने एक दूसरे के जीवन का बलिदान कर दिया। चंपत राय ने कहा कि सारंधा, इन मुगलों के हाथ से मरने से अच्छा है तो मेरा प्राणांत कर दो। सारंधा एक पल के लिए झी झिकी, लेकिन पति का आदेश मांगना पड़ा। एक ही कटार से अपने पति का भी अंत कर दिया और उसी से अपना भी अंत कर लिया। और देखिए, जिस चंपत राय और सारंधा ने औरंगजेब को सिंहासन पर बैठाया, उन्हीं का सिर काटकर मुगल दरबार में पेश किया गया। हिंदुओं का पतन क्यों होता रहा? क्योंकि हिंदू सिद्धांत विहीन हो गए थे, उन्हें राष्ट्र नहीं दिख रहा था।
अकेले बुंदेलखंड में ही कितने छोटे छोटे राजा थे जो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। देश कभी संगठित हुआ ही नहीं, और इस संगठन के न होने के पीछे एक ही चीज़ है, अशिक्षा। जो देश, जो समाज एक परमात्मा पर निष्ठा रखता है, एक परब्रह्म से प्रेम रखता है, शिक्षा की अलख जगाता है, वह देश कभी भी गुलाम नहीं होगा। जहाँ शिक्षा नहीं, भक्ति नहीं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना नहीं, उसको तो गुलाम होना ही पड़ता है। अब श्री जी ने लालदास जी और उत्तम दास जी को भी भेजा कि जाकर महाराजा छत्रसाल जी को ज्ञान सुनाएं। लालदास जी और उत्तम दास जी आकर छत्रसाल जी को प्रबोधित करते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी ने लालदास जी के मुख से भागवत के श्लोक सुने तो उनके मन में उमंग आ गई कि पहले देवकरण ने मुझे सूचना दे दी है कि विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पधार रहे हैं चाचा जी, लेकिन एक समस्या है कि वो जहाँ जाते हैं औरंगजेब की सेना उनका पीछा कर रही है। औरंगजेब चाहता था कि मैं संसार को ये बता दूं कि मैं इन हिंदू वैरागियों के अधीन नहीं है। उसका दिल कहता था कि यही आखरुल इमाम मोहम्मद महदी हैं जिसकी तू बाट देख रहा था, लेकिन सबको ये बताना चाहता था कि मैंने तो इनको कैद किया है। अब श्री जी सुंदर साथ के साथ रामनगर से चलते हैं, अगरिये से होते हुए पन्ना जी पहुँचते हैं, और वहाँ कितकी नदी के किनारे आते हैं, वहाँ किलकिला नदी के किनारे आते हैं। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुपाए। किलकिला नदी है, प्रवाहित हो रही है, नदी का जल विषैला है। जब वे नदी के किनारे थे तो नित्य क्रिया के लिए जल चाहिए, उस युग में आजकल की तरह ये पाइपलाइन की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। उस नदी के जल में जो कोई भी जाता था मृत को प्राप्त हो जाता था। जैसे कभी ब्रज में यमुना का जल विषैला था, इस जागरणी लीला में भी किलकिला का जल विषैला हो गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वहीं लक्ष्मी जी बाढ़ देख रही थी कि कब अक्षरातीत के चरण कमल पड़ेंगे और मैं पवित्र हो जाऊंगी। जो भील लोग, गौड़ लोग थे, वहाँ के मूल आदिवासी रहने वाले, उन्होंने देखा कि इतने हजारों लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वे दूर से ही चिल्लाते हुए आए कि या साधु जन, इस नदी का जल मत पीजियो, क्योंकि आप पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन सुंदर साधु को तो अटूट विश्वास है, श्री जी के चरणों का चरणामृत लिया और किलकिला नदी में कूद पड़े। सबने उस जल का पान भी किया, स्नान किया, क्योंकि उनको अटूट विश्वास था कि श्री जी के चरणों के चरणामृत से किलकिला का विष दूर हो जाएगा। आज वो समय तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई किसी ने कहा कि पहले तू पानी पियो, पहले तू पानी पियो। सबको विश्वास है क्योंकि सबने लीला देखी है। अब सब सुंदर साथ एक साथ किलकिला के नदी में स्नान करते हैं, सब कुछ उसका उपयोग होता है। अब महाराजा छत्रसाल जी को सूचना भेजी जाती है कि मैं आ चुका हूँ। छत्रसाल जी मऊ सानिया में उस समय होते हैं। अफगान खां एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर चुका है, और राजा का कर्तव्य होता है कि जब शत्रु आक्रमण करें तो पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। छत्रसाल जी कहते हैं कि धामधनी, यदि आप अपने चरण कमल यहाँ मऊ सानिया में रख दें तो अति कृपा होगी, कि क्योंकि अफगान खां एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर चुका है, मैं प्रजा को यहाँ छोड़ कर कैसे आऊँ। श्री जी युवा सुंदर साथ के साथ चल देते हैं। जितने बहनें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ जाकर मऊ सानिया तिंदुनी दरवाजे पर, जहाँ तिंदुनी दरवाजा है वहाँ एक कुआं था। कुएं के पास श्री जी चादर बिछा करके बैठ जाते हैं।
छत्रसाल जी पता लगाने आते हैं कि जांच तो हो कि यही प्राणनाथ जी हैं, विजय अवनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार यही है, किस भेष में आएंगे? छत्रसाल के भेष में थोड़े आएंगे, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में घटना घटित हो चुकी है। पूर्व जन्म में भी वो चंपत राय के ही पुत्र थे, सारंधा के ही पुत्र थे, नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक मुगल सेना ने घेर लिया और उनकी अवस्था 12-14 साल की थी, कुमार अवस्था थी। मुसलमान तो यही धोखे से मारते हैं, अरे भाई तुम्हारा बैर है चंपत राय से तो चंपत राय से लड़ो। एक छोटा बच्चा तालाब में नहा रहा है, उसको घेर कर मुगलों ने मार दिया था। रात्रि को स्वप्न में छत्रसाल जी के जीव ने कहा कि माँ चिंता न करो, मैं तुम्हारे ही तन से जन्म लूँगा। और पुनः सारंधा को गर्भ हुआ और छत्रसाल जी का जन्म हुआ। वो संस्कार चला आ रहा है कि कहीं भी जाएं तो सावधानी से जाएं। चाणक्य ने अपने शास्त्र में लिखा है कि राजा को कभी भी सेना के सामने बिना हथियार के नहीं जाना चाहिए। राजा को कहीं सोते समय भी, अकेले में भी बिना हथियार के नहीं रहना चाहिए। चंद्रगुप्त जिस कक्ष में शयन करता था, अगले दिन उसका कक्ष बदल दिया जाता था, उसका रसोईया बदल दिया जाता था, उसका सेवक बदल दिया जाता था, कक्ष बदल दिया जाता था। क्यों? सुरक्षा को दृष्टि में रख करके। चाणक्य ने जिस नीति से चंद्रगुप्त की सुरक्षा करके उसको भारत का सम्राट बनाया, आज तक भारत सरकार भी इतनी सतर्कता नहीं रखती है। जब सेल्यूकस भारत में प्रवेश करता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, हेलेन से मिलने के लिए, तो जब चाणक्य से वार्ता होती है, चाणक्य कहता है कि सेल्यूकस मुझे मालूम है कि भारत की सेना में, भारत की भूमि पर कब तुम्हारे चरण पड़े हैं और अपनी बेटी से तुमने क्या क्या बातें की हैं, तुम क्या खाए हो ये भी मुझे मालूम है। चाणक्य कहाँ रह रहा है? एक झोपड़ी में। लेकिन एक एक बात की जानकारी चाणक्य के पास है। सेल्यूकस दंग रह गया है कि चाणक्य की बुद्धि कैसी है कि झोपड़ी में यहाँ रह रहा है आचार्य चाणक्य और एक एक बात की जानकारी है। महाराजा छत्रसाल जी क्या करते हैं कि जैसे गाय चराने वालों का भेष धारण कर लेते हैं, मूढ़ की तरह, जैसे अनपढ़ गंवार कोई होता है लाठी लेकर, वैसे ही एक अनजान व्यक्ति का भेष बनाकर आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तरह मूढ़ की लाए, मूढ़ की तरह, यानी बिल्कुल अनपढ़ गंवार, कोई पता ना कर सके कि ये छत्रसाल जी हैं, और दूर से बैठकर बोलते हैं कि बाबा जी राम राम। श्री जी भी कहते हैं कि बाबा जी राम राम, यहाँ आकर के बैठो छत्रसाल। आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन दूर बैठते हैं। श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम आगे आकर के बैठो, अब तो तुम फंद में पड़े हो। छत्रसाल कहते हैं कि बाबा जी, मुझे फंद में डालने वाले तो केवल एक विजय अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी संसार में नहीं है जो मुझे फंदे में डाल सके। इस तरह की भाषा कौन बोलता है? चंद्रगुप्त बोलता है, शिवाजी बोलते हैं। इस देश के लोग जब अपना स्वाभिमान ही खो बैठे, मुगलों की गुलामी करना ही उनकी प्राथमिकता रह गई, चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे जय सिंह हो, मान सिंह हो, सबने अपना स्वाभिमान बेचा, इस देश को गुलाम बनने के लिए विवश किया। लेकिन संस्कार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शिवाजी के अंदर संस्कार था राष्ट्रवाद का, चंद्रगुप्त के अंदर संस्कार था, ये संस्कार डाला था चाणक्य ने, अखंड भारत का संस्कार डाला था। चंद्रगुप्त कभी निहत्थे पर वार नहीं करता था, चंद्रगुप्त अपने स्वाभिमान को कभी खोया नहीं था। और श्री जी के सामने यही महाराजा छत्रसाल जी हैं, जो सीधे कहते हैं कि बाबा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो छत्रसाल को फंदे में डाल रख सके, एक सिवाय विजय अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के। श्री जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि छत्रसाल,
क्या विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक तुम्हारे सामने आए तो पहचान लोगे? कहते हैं कि देखिए ये मुहर है। श्री जी ने मुहर देखी, जिस चादर पर बैठे थे चादर को हटाकर कहा कि छत्रसाल इधर देखो, ये मुहरें देखो। उन मोहरों से मिलान करते हैं, छत्रसाल जी पहचान लेते हैं कि जिनकी मैं बाट देख रहा हूँ वही आए हैं। अब लज्जा से सिर उनका नीचे हो जाता है, चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। महल में जाकर के कहते हैं कि जिसको दर्शन करना हो वो दर्शन कर रहा है। कौन आया है? आया परवरदिगार, साक्षात परमात्मा आए हैं। अब किसी के लिए रोक टोक नहीं है। उनके जो बड़ी रानी है देवकुंवर, वो कहती है कि महाराज मुझे भी जाने दीजिए, मैं जाकर के देखती हूँ कि सचमुच यही प्राणनाथ जी हैं। वो ब्राह्मणियों के साथ आती है भेष बदल कर, दूर से देखती है, समझ जाती है कि नहीं यही स्वरूप है विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का। अब चाचा बल दीवान के साथ श्री जी का आगमन होता है महल के अंदर। महाराजा छत्रसाल खुशी में पागल हो जाते हैं कि आज हमारे घर स्वयं विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बता रहे हैं। लेकिन उसी समय अफगान खान युद्ध की घोषणा कर देता है, बिगुल बज जाता है। और आप जानते हैं जब बिगुल बज जाता है तो सैनिक भोजन कर रहे हों, सो रहे हों, सब छोड़कर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। बिगुल बजने के बाद सैनिक कभी सोता नहीं रहेगा। अब श्री जी के पास आते हैं महाराजा छत्रसाल, कहते हैं कि धाम धनी लगता है मेरे भाग्य में इतनी ही सेवा लिखी है, क्योंकि शत्रु के पास 8,000 की सेना है जिसमें 5,000 घोड़े हैं घुड़सवार थे और 3,000 पैदल, और मेरे पास केवल 1,000 सैनिक हैं, यानी शत्रु की सेना हमसे 8 गुनी अधिक है। आपका दर्शन होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता। श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल तेरे तन से तो जागने का एक बहुत बड़ा कार्य होना है, यह लो अपनी रुमाल। छत्रसाल जी को सौंप देते हैं, सिर पर हाथ रखकर कहते हैं तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शेर अफगन अपने नाच गाने में मस्त है, रात्रि का समय है, महाराजा छत्रसाल जी सेना की एक टुकड़ी के साथ आक्रमण कर देते हैं। अचानक भगदड़ मच जाती है, युद्ध होने लगता है। अफगान खान के साथ महाराजा छत्रसाल जी का द्वंद्व युद्ध होता है। जब छत्रसाल जी तलवार चलाते हैं तो अफगान खान झुक जाता है, जिसे छत्रसाल जी का वार खाली जाता है। आप अफगान खां की बारी होती है, अफगान खां अपनी तलवार चलाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से उसकी तलवार को खींच लिया है। उसका बार जैसे ही खाली गया, पलभर में छत्रसाल जी की तलवार उसके सीने पर थी और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, जमीन पर गिर रखकर कि माफ क्षमा मांग रहा था। इतिहास में हर हिंदू राजा ने मुगलों को क्षमा किया है। पृथ्वीराज ने गोरी को कितनी बार क्षमा किया, लेकिन गोरी ने एक बार भी पृथ्वीराज को जीवन दान नहीं दिया। किसी भी मुस्लिम राजा, मुस्लिम बादशाह ने किसी हिंदू राजा को जीवन नहीं दिया है। छत्रसाल जी ने छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिक्षा दी गई है कि निहत्थे पर वार न करो, जो प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा हो उसको मारो नहीं, क्योंकि यहाँ के तो रक्त की एक एक बूंद में शिक्षा दी जाती है। मुगलों को यही उनकी कट्टरवादिता में शिक्षा मिली है कि जैसे भी हो विरोधी को मारो। अब जो युद्ध का हर्जाना था दे करके किसी तरह से अफगान खान ने अपनी जान बचाई। इसके पश्चात खुशी मनाई जाती है महल में। सब लोग यही कहते थे कि सचमुच प्राणनाथ जी की कृपा से विजय हुई है, अन्यथा विजय का तो कहीं प्रश्न ही नहीं था। महाराजा छत्रसाल जी अब शांति से परम धाम समझते हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इसके पश्चात अब जब श्री जी वापस लौट जाते हैं किलकिला के किनारे,
डेरा डालकर जहाँ सुंदर सा रह रहे होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इधर महाराजा छत्रसाल जी राजकाज का व्यवहार सुव्यवस्थित करके पुनः पन्ना जी आते हैं। उस समय भोजन का समय होता है। छत्रसाल जी के साथ और भी राज्य के अधिकारी होते हैं, वो भी भोजन करते हैं। प्रसाद रूप में श्री जी के खाए हुए भोजन का कुछ अंश महाराजा छत्रसाल जी ग्रहण करते हैं। ये बात चाचा बलदीवान को अखरती है कि ये हमारा सूर्यवंशी ठाकुर वंश, जब देखो तब किसी का भी प्रसाद ये महाराजा छत्रसाल खा रहे हैं, ये तो हमारी गरिमा पर आघात हो रहा है। महाराजा छत्रसाल चोपड़े की हवेली में श्री जी को पधराते हैं। किस प्रकार से? चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर महाराज, चोपड़े की हवेली में ने पधराए श्री राज, चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर में राज। वहाँ किलकिला के किनारे से लेकर चोपड़े की हवेली तक, उस जमाने में तो रास्ता भी अच्छा नहीं था, एक तरफ महाराजा लगते हैं, दूसरी तरफ उनकी रानियां, और श्री जी को पालकी में बैठाकर चोपड़े की हवेली में लाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी खुशी में पागल हो गए हैं कि आज हमारे घर कौन आया है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के चरण कमल पड़े हैं, सिंहासन अंदर है, पालकी बाहर रखी जाती है, उनको ध्यान ही नहीं रहा। इसी बीच मझली रानी जिनका नाम था सुशीला, बड़ी रानी का नाम था देवकुरी, मझली का नाम सुशीला और सबसे छोटी का नाम था कमलाबाई। अब सुशीला महारानी ने क्या किया, अपनी साड़ी को इतनी सावधानी से उतारा कि किसी को पता नहीं चल पाई, पावड़ा बिछा दिया। छत्रसाल जी ने देखा कि महारानी तो मेरे से जीत गई। अपने भाव में कहते हैं कि महारानी पहले मेरा भाव होता है, मुझे अपनी पाग बिछाने दो, ये साड़ी हटा लो। क्या करें, पति का आदेश मानना पड़ता है, महिलाओं को बिछी हुई साड़ी को भी उठाना पड़ता है। श्री जी तो सबके मन की बात जानते हैं। महाराजा छत्रसाल जी अपनी पाग बिछाते हैं, पाग छोटी पड़ जाती है। अब श्री जी स्वयं निर्देश देते हैं, सुशीला तुम अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाओ। श्री जी चलकर सिंहासन तक पहुंचते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी को आरती उतारनी है। कहते हैं कि धामधनी परम धाम में आप युगल स्वरूप हैं, तो यहाँ भी आपको युगल स्वरूप में रहना पड़ेगा। तेज कुंवरी जी के साथ ही आपकी मैं आरती उतारूंगा। तेज कुंवरी जी को सिंहासन पर बिठाया जाता है और सारी सभा को संबोधित करते हैं महाराजा छत्रसाल कि मैं अपने किसी गुरु का स्वागत नहीं कर रहा हूँ, गुरु की आरती नहीं उतार रहा हूँ। कौन पधारा है मेरे घर? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार, शिव संकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार। ये वो हैं जिनकी खोज करते हुए शिव संकादिक थक गए, अगम जानकर निगम कहे खोज खोज बजारे। मेरी आत्मा को जगाने के लिए जान के मूलधनी अंगना अपने सोघर आए हमारे, ये पद बनाया है महाराजा छत्रसाल जी ने। और यही मानकर सबको संबोधित किया। समझाना किसको था? बलदीवान जैसे लोगों को जिनके मन में पाप था कि छत्रसाल जब देखो तो प्राणनाथ जी का जूठन खा लेते हैं, जब देखो उनके चरणों में शीश झुका देते हैं। अभिमान तो बताया गया था क्षत्रियों को, स्वाभिमान नहीं सिखाया गया था। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। महाराणा प्रताप स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं, और मानसिंह अभिमानी है, स्वाभिमानी नहीं। अभिमानी क्या है? उसको अहंकार है कि मैं राजपूत हूँ, हिंदू राजाओं को हरा हरा कर और अकबर के अधीन करता जाता है। उधर राणा प्रताप है, हिंदू राजाओं की रक्षा करते हैं लेकिन अकबर के सामने शीश नहीं झुकाते। अकबर चाहता था कि एक बार राणा प्रताप मेरे सामने अपनी हार मान लें, लेकिन राणा प्रताप ने मना कर दिया। घास की रोटियां खाना राणा प्रताप को स्वीकार था लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं था। इसको कहते हैं स्वाभिमान, स्व का अभिमान, अपने आत्मबल का, अपने राष्ट्रीय गौरव का अभिमान। ये देश गुलाम क्यों रहा? इस देश के लोगों में स्वाभिमान नहीं था।
अंग्रेजों के आगे यहाँ के राजा, छोटे छोटे राजा और जमींदार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए करते थे और अपनी गरीब प्रजा पर अत्याचार ढाते थे। ये कौन करेगा? अभिमानी व्यक्ति। यदि उनके अंदर स्वाभिमान होता, देश के सभी लोग इकट्ठे हो जाते, देश के प्रति स्वाभिमान होता, तो 300 साल तक ना अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ती, न 700 साल तक मुगलों की गुलामी करनी पड़ती। अभिमान कभी भी न कीजिए, क्योंकि अभिमान पतन का कारण है, लेकिन स्वाभिमान कभी न छोड़िए। यदि आपने स्वाभिमान छोड़ दिया तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब महाराजा छत्रसाल जी इस पद को भावपूर्वक गाते हैं, तब श्री जी का और बाईजुरा जी का श्रृंगार कराते हैं, परम धाम का श्रृंगार। सुशीला महारानी ने अपने आभूषण बाईजुराज को पहनाए, महाराजा छत्रसाल जी ने अपने गले के हार, हीरे मोतियों के हार, अपनी अंगूठी परम धाम के भाव से श्री जी को पहनाई और आरती के। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे। शिव सन का दे आदि के इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे। अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार मेरे वाला जी, खोज खोज पचिहारे। जान के मूल धन अंग ना अपने, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरान जी सकियन सुधा, लेन संग पधार मेरे वाला जी, लेन संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभामुख होना आवे मेरे वाला जी, शोभामुख होना आवे। सिंहासन आसन बैठारे, सिंहासन आसन बैठारे, श्री छत्रसाल गुण गावे मारा वाला जी, महाराजा गुण गाए, महाराजा गुण गाए। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। अब श्री जी की आरती जब उतारी जाती है तो महाराजा छत्रसाल जी को भी तिलक लगाकर श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल आज से तुम महाराजा हो गया। आरती में
छत्रसाल जी ने क्या सौंपा? अपना शीश कमल धामधनी के चरणों में रख दिया। श्री जी ने क्या कहा कि छत्रसाल आज से तू छत्ता हुआ, हुकुम हाथ छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। श्री जी ने अपने हाथ से सब सुंदर साथ के सामने महाराजा छत्रसाल जी को महाराजा की शोभा दे दी। और छत्रसाल जी ने क्या किया था, यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए, प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जा। पहले दाता हम भये जो गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता सतगुरु भये जो सब कुछ किन्नो बख्शीश। याद रखिए, संसार में कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान बन जाए वीर बन जाए, किसी पथ प्रदर्शक के बिना नहीं बन सकता। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान हो गया, बृहस्पति सामने आ रहे थे, उनको इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति अदृश्य हो गए। उसी समय असुरों ने आक्रमण कर दिया। अंत में देवराज इंद्र अपनी रक्षा के लिए एक ऋषि को गुरु बनाकर तब युद्ध लड़े और किसी तरह की रक्षा हुई। यदि कृष्ण नहीं होते तो पांडव क्या कर पाते? राम की भी सहायता किसने की? महर्षि विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, अगस्त ऋषि ने इनका पथ प्रदर्शन किया, तब रावण जैसे असुर को मारा जा सका। अब श्री जी की छत्र छाया में ही महाराजा छत्रसाल जी एक महाराजा बने। एक सामान्य जागीरदार के पुत्र थे, उनका कोई राज्य नहीं था, लेकिन अब वो इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सो लड़न की रही ने कान होस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्री जी की अपार कृपा बन गई। बरसी परम धाम के सकुंडल की आत्मा है उस तन में। अब श्री जी के मुखारविंद से पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। महाराजा छत्रसाल जी की देखा देखी, चाचा बलदीवान को भी तारतम लेना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर भाव नहीं है। वो सोचते हैं कि ये छत्रसाल लगता है कहीं फंस तो नहीं गया है। उनके मन की दुविधा दूर कैसे हो, इसलिए एक तरीका अपनाया जाता है शास्त्रार्थ का। चाचा बलदीवान महोबे के काबजी अब्दुल रसूल को बुला करके लाते हैं। महोबे का काजी अब्दुल रसूल कुरान का पारंगत विद्वान है, सारे जीवन उसने कुरान की शिक्षा दी है सबको। जब वो आता है तो उसका शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद, उसका शास्त्रार्थ होता है लालदासी के साथ। एक तरफ महोबे का काजी अब्दुल रसूल, दूसरी तरफ लालदासी। वो अपनी सिखी अपने मुख से बखारने लगता है कि देखिए मेरे बाल, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं तो मेरा दिल भी सफ़ेद है, जो कुरान में लिखा होगा मेरी जवान भी वही बोलेगी। लालदास जी कहते हैं कि बताइए काजी साहब, कितने तरह की पैदाइश है? अब्दुल रसूल बोलते हैं 5 तरह की। कुरान के तीसरे सिपारे में ये बात लिखी है। सारा अब पूछते हैं कि तीसरे सिपारे में दिखाइए, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अब्दुल रसूल पुनः पूछते हैं कि आप ये बताइए, आप 5 तरह की पैदाइश में कौन से हैं? इस पर अब्दुल रसूल को कुछ भी नहीं सोचता है कि उत्तर क्या दें। 5 तरह की पैदाइश कुरान के अंदर तीसरे पारे में लिखी है, तफसीर हुसैनी में इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या है, लेकिन कुरान में कई जगहों पर संकेतों में दिया गया है। कहीं पर ब्रह्म सृष्टि को अंगूर कहा गया है और ईश्वरीय सृष्टि को खजूर कहा गया है, और जीव सृष्टि को घास कहा गया है। संकेत है कि ब्रह्म सृष्टि अंगूर है, तभी वाणी में भी दिया गया है ब्रह्म सृष्टि मोमिन चले बिजली की न्यात, मुद की भी घोड़े की बात।
एक हाथ की पैदाइश, दो हाथ की पैदाइश, मूल इब्तदाई की खिलकत की और कुन की पैदाइश। कुन की पैदाइश क्या है? आदि नारायण के संकल्प एको बहुश्याम से जो सृष्टि पैदा हुई, जीव सृष्टि, उसको कुन की पैदाइश कहते हैं। एक हाथ की पैदाइश यानी मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बने उनको एक हाथ की पैदाइश कहा गया है, क्योंकि इनके पास केवल शरीयत और तरीकत का ज्ञान था। दो हाथ की पैदाइश जो सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी और प्राणनाथ जी के ज्ञान का अनुसरण करेंगे, उनके पास हकीकत और मारिफत का भी इल्म होगा। मूल इब्तदाय की कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और आखिरी क्या है? खिलकत की। खिलकत यानी पड़ोस की ईश्वरीय सृष्टि। ये पांच तरह की पैदाइश है। अब्दुल रसूल सोचते हैं कि किसको मैं मानूं? कुन की पैदाइश में कहूं तो मैं आम खलक में हूं, एक हाथ की कहूं तो समझ में नहीं आता है, दो हाथ की कहूं समझ में नहीं आता है। हकला जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो केवल अल्लाह ताला ही जानता है। चाचा बलदीवान को शक होता है कि कहीं छत्रसाल जी ने पैसा तो नहीं खिला दिया। भरी सभा के बीच में बलदीवान ने कहा कि आप क्या सौगंध खाकर कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर केवल अल्लाह ताला ही बता सकता है? उसको बहुत बुरा लगता है अब्दुल रसूल को। कुरान को सिर पर रखकर कहते हैं कि यह जमाने का खबंद जो करी थी शरत, सो शरत आई पहुंची फरदा रोज क्यामत। कुरान में जो फरदा रोज के समय क्यामत के समय में अल्लाह ताले के आने का वर्णन था, अब ये वही समय है। ये प्राणनाथ जी वही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है। जब कुरान को सिर पर रखन सौगंध खाकर कहने की बात आती है तो अब्दुल रसूल ने स्पष्ट कह दिया कि यदि मैं झूठ बोलूं तो ये कुरान मेरे मुझे गर्क कर दे, उस पाप से मैं नष्ट हो जाऊं। तब चाचा बलदीवान को होश आता है कि नहीं, मेरे से कहीं गलती हो रही है। अब हिंदू पक्ष के भी विद्वानों को इकट्ठा करते हैं बलदीवान। सुंदर वल्लभ बद्री आते हैं। सुंदर वल्लभ बद्री ने आपस में चयन करके बद्रीदास को नियुक्त किया। अब उनका शास्त्रार्थ होता है महाराजा छत्रसाल जी से। महाराजा छत्रसाल जी कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। ऐसा नहीं कि महाराजा छत्रसाल जी केवल तलवार के ही धनी हैं, धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, श्री जी पर अटूट निष्ठा है। उन प्रश्नों को देखकर बद्रीदास कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर तो श्री कृष्ण परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं दे सकता। महाराजा छत्रसाल जी बहुत शाबाशी देते हैं कि अच्छा हुआ तुमने सत्य सत्य बात कह दी। लेकिन जब बद्रीदास अपने दोनों पंडितों के पास जाते हैं तो वो दोनों लड़ने लगते हैं कि तुमने तो ब्राह्मणों की लुटिया डुबो दी, एक ठाकुर से तू हार मानकर चला आया, अब बताओ कल को तुम्हें मत्था कौन टेकेगा? इसलिए जैसे भी हो शास्त्रार्थ जीतना है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है सत्य को खोजने के लिए निष्पक्ष हृदय से विचार करना। लेकिन आजकल के विद्वान सोचते हैं इज्जत मेरी पहले रहनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से जीत होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब करने को तैयार रहते। उन्होंने कहा कि अभी तुम सो जाओ, हम रात को प्रश्न बनाते हैं और हम कुछ प्रश्न लिखेंगे, अगले दिन तुम पुनः शास्त्रार्थ के लिए आह्वान करना। रात को पंडितों ने प्रश्न बनाए बिना उद्धरण के, बनावटी प्रश्न। छत्रसाल जी के पास पुनः बद्रीदास को भिजवा दिया। बद्रीदास ने जब वो प्रश्नों के कागज छत्रसाल जी को दिया तो छत्रसाल जी को देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि बद्रीदास, कल तुमने भरी सभा के बीच में कहा था कि ये प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत परमात्मा के स्वरूप हैं, आज तुम कह रहे हो कि नहीं शास्त्रार्थ में कुछ चूक हो गई, हम दोबारा शास्त्रार्थ करेंगे, कल वाले बद्रीदास तुम नहीं हो। महाराजा छत्रसाल जी ने घोषित कर दिया
कि अब कोई से भी बुंदेला इन पंडितों को प्रणाम न करे। क्रोध में कहा था, अन्यथा किसी वर्ग विशेष से कभी विद्वेष नहीं पालना चाहिए। बद्रीदास को अपनी भूल का एहसास होता है, श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। अष्टपहर की लीला में बद्रीदास जी का भी नाम आएगा, आप देखेंगे। वो भी परमधाम की ब्रह्मात्मा है, लेकिन ये संसार है। कोई पंडित बना है, कोई राजा बना है, कोई सेठ बना है, कोई आचार्य बना है, कोई गरीब सुंदर साध के रूप में रह रहा है, ये तो माया का खेल है। और इसी खेल में सब अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं, इधर देख रहे हैं कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई आचार्य है। पुनः सब चलने लगता है। एक बार और घटना घटित होती है। सबके मन में संशय रहता है कि 5000 लोगों का भोजन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है, इतनी पैदावार तो है नहीं। महाराजा छत्रसाल जी के पास कोई इतना धन भी नहीं कि सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। खुसर फुसर हो रही है कि लगता है कि प्राणनाथ जी के जो सुंदर साथ हैं लोहे को सोने में बदल देते हैं और उसी से सारा खर्च आ रहा है। बात होते होते छत्रसाल जी तक पहुंचती है। छत्रसाल जी जाकर श्री जी से पूछते हैं कि धाम तो नहीं बताइए, इतने सुंदर साथ का खर्च कहाँ से आता है, क्योंकि मेरे पास तो इतना धन नहीं कि सब सुंदर साथ की मैं सेवा कर सकूं। श्री जी कहते हैं कि लालदास जी सारी हुंडिया बही खाता दिखा दीजिए। ये आगरे ये मेड़ते का सुंदर साथ राजा राम और झांझन भाई सम्मत 1733 से लेकर अब तक लगभग 10 वर्षों तक मेड़ते के राजा राम और झांझन भाई ने हजारों सुंदर साथ की सेवा को स्वीकार किया। देखिए, यदि आप राज्य के लिए सेवा करते हैं तो कमी कभी नहीं होगी। उसकी कृपा है, वो देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। राजा राम और झांझन भाई ने सेवा का व्रत लिया तो राज्य ने भी उनको शोभा दी। जितनी सेवा में खर्चा किया उतना बढ़ता गया। सुंदर साथ का मन तो संकुचित होता है, अपने घर शादी विवाह का अवसर पड़ता है, 500 लाख पानी में बहवा देते हैं। उन सुंदर साथ को कहा जाए कि राज्य के लिए कुछ सेवा करो, कहते हैं कि क्या करें, अभी पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन वो राजा राम और झांझन भाई थे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनका नाम सुंदर साथ में अग्रगण्य रहेगा। जब परमधाम में भी जाएंगे तो वहाँ भी कहा जाएगा कि राजा राम और झांझन भाई ने 10 साल तक 1-2 हज़ार नहीं 5000 सुंदर साथ का भोजन वस्त्र सारी सेवा की थी। सेवा ऐसी चीज है जो आपको अखंड की तरफ ले जाती है, आपके अहंकार को दूर करती है। यदि आप सेवा नहीं करेंगे तो आपके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, आप किसी पर समर्पित होना नहीं सीखेंगे। जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक आपके हृदय में राज्य के चरण कमल नहीं बैठेंगे। जब तक आप शरीर से सेवा नहीं करेंगे, अपने हृदय का अहंकार दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वीरा प्रेम कहाँ से आएगा। छत्रसाल जी यह सुनते हैं तो बहुत उन्हें लज्जा का अनुभव होता है कि मेरे जीते जी इतने साल से सुंदर साथ बाहर से सेवा कर रहे हैं, मैं कहलाने को मारा जाऊँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोपहर का समय हो गया है, उनकी सिसकियाँ महारानी सुनती हैं, लेकिन किसी में साहस नहीं कि दरवाज़ा खुलवा सकें। चाचा बलदीवान से सभी आग्रह करते हैं, बलदीवान दरवाज़ा खुलवाते हैं और देखते हैं कि छत्रसाल का चेहरा आंसुओं से भरा है। बलदीवान ने महाराजा छत्रसाल जी को बचपन से संरक्षण दिया था। छत्रसाल के आंसू हों ये चाचा बलदीवान सहन नहीं कर सकते थे। कितना भी था कड़वा हृदय उनका, लेकिन अंदर से तो कोमल थे। छत्रसाल से कहा कि छत्रसाल तुम क्यों इतने दुखी हो। छत्रसाल ने कहा कि चाचा जब से श्री जी हमारे राज्य में आए हैं तुमने हमेशा कोई ना कोई नकारात्मक बात कही है, कभी कुछ कभी कुछ। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सब सुंदर साथ की सेवा मेड़ते से आ रही है,
वहाँ के राजा राम और झांझन भाई परिवार की तरफ से सारी सेवा आती है। मैं कहलाने के लिए तो राजा हूँ, मैंने तो कोई सेवा की ही नहीं है। छत्रसाल को साहस दिलाते हुए बल्दीवान कहते हैं कि छत्रसाल, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम तलवार उठाओ और सभी जितने हिंदू राजा हैं, मुगलों के राजा नवाब हैं, सब पर आक्रमण करो और उनको कहो कि जो कर वो औरंगजेब को देते हैं वो तुम्हें दें और उसी कर से तुम सब सुंदर साथ की सेवा करो। छत्रसाल जी को ये बात जच गई। सवेरे सवेरे आकर कहते हैं कि धामधनी, मैं सब सुंदर साथ की सेवा लेना चाहता हूँ। पूरी बात नहीं बताते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। श्री जी से कहते हैं, श्री जी कहते हैं कि अच्छा, कल तुम आना, अपना घोड़ा लेकर के आना। श्री जी कहते हैं कि देखो, इस घोड़े को ले जाओ, शाम तक सूर्योदय से पहले जितना दौड़ा सकते हो उतना दौड़ा करके आओ मेरे पास। छत्रसाल जी वैसे ही कह देते हैं, करते हैं जैसा श्री जी का निर्देश होता है। अब महाराजा छत्रसाल जी जब घोड़ा लेकर के शाम तक आते हैं, श्री जी कहते हैं, छत्रसाल जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ा है वहाँ तक की धरती हीरा उगलती रहेगी जब तक कि पृथ्वी रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि ये हीरा तभी मिलेगा जब तुम्हारे परिवार के लोग मेरे ऊपर श्रद्धा रखेंगे, अन्यथा हीरे कम हो जाएंगे। छत्रसाल जी कहते हैं कि धामधनी, ये तो मेरी सेवा नहीं हुई, आपने मुझे हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो सो अपने राज, आपने हुक्म की शोभा दी है मुझे, तो मेरा निवेदन ये है कि आप हथनी पर बैठिए, मैं सेना लेकर चलूँगा, जितने राज्य आएंगे सब पर आक्रमण करूँगा, सबके पंडितों को मौलवियों को इकट्ठा करूँगा और उनसे आपका शस्त्रार्थ कराऊँगा। आपको विचार अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में जाहिर करूँगा और सभी राजाओं से, नवाबों से कहूँगा, सूबेदारों से कहूँगा कि औरंगजेब को कर देना बंद करें, वे मेरे राज्य में भेजें, उस राज्य से, उस धनराशि से मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये जो हीरे निकलेंगे ये तो आपकी कृपा का फल है, मेरी सेवा तो कुछ हुई ही नहीं है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, ये कहावत पूरे बुंदेलखंड में कही जाती है कि जित घोड़ा मुख करे तित फते हो, सारी धरती हीरा उगलने लगती है। आजकल तो बहुत परिश्रम से खोदना पड़ता है, पहले तो आसानी से निकल जाया करते थे क्योंकि उस समय का राज परिवार प्राणनाजी पर आस्था रखता था। आज राज परिवार के लोग मांस और शराब में डूबे रहते हैं, उनको प्राणनाजी पर आस्था नहीं है। इसी कारण जो कृपा से हीरे निकलने का वरदान था वो उसका फल कम हो गया है। अब महाराजा छत्रसाल जी ऐसे ही करते हैं। कालपी में मौलवियों ने महचर नामा लिख कर दिया, स्वीकृत पत्र, सबने स्वीकार किया कि हाँ कुरान हदीसों के अनुसार आखरुल जमा इमाम मोहम्मद महदी साहिबु जमा ये प्राणनाजी है। इसी तरह से श्री जी जहाँ जहाँ गए सबने हार मानी और महाराजा छत्रसाल जी को अपना महाराजा स्वीकार किया। पूरे पद्मावतीपुरी धाम में सम्मत 1751 तक अंतर्धान लीला तक प्रतिदिन वाणी चर्चा का प्रवाह चलता रहा। परम धाम की चारों किताबें खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार का अवतरण वही हुआ, सिंधी का अवतरण वही हुआ, खुलासा का अवतरण वही हुआ और बड़ा क़यामत नामा चित्रकूट में उतरा था, छोटा क़यामत नामा भी वही उतरा, मार्फत सागर वही उतरा। अब सोचिए परम धाम का खजाना वही उतरा, वहीं बैठे बैठे सुंदर साथ ने इन नयनों से, भौतिक नेत्रों से साक्षात अक्षरातीत को देखा। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध, जिसके दिल में जैसी भावना रही प्राणनाथ जी ने उनको उस स्वरूप में दर्शन दिया। कोई युगल स्वरूप को देखना चाहता है, श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, साक्षात युगल स्वरूप के रूप में देखते हैं। कोई कृष्ण के रूप में देखना चाहता है, श्री कृष्ण जी नजर आते हैं। कोई मोहम्मद साहब का रूप देखना चाहता है, मोहम्मद के रूप में नजर आते हैं।
कोई सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी को देखना चाहता है तो सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी का रूप दिखाई दे रहा है। ये परम धाम की जागने लीला 10 वर्षों तक वहाँ हुई। करसे लीला बरस दस तोड़ी, होसी हांस विलास गई। ये अलौकिक लीला है इस जागनी ब्रह्मांड में। सृष्टि में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने इन नयनों से प्रत्यक्ष रूप में अक्षरातीत के युगल स्वरूप को देखा हो। अक्षर को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, नारायण को कैसे हो जाएगा? जब नारायण को नहीं तो ऋषि मुनियों को नहीं हो सकता था, लेकिन किसके भाग्य में आया? जिनके ऊपर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का अंकुर था उन्होंने ये सौभाग्य पाया। महाराजा छत्रसाल जी ने पहचाना था अपने प्रीतम को। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सुने मिसल मातवर। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, ब्रह्मसृष्टियों में स्वरूप पर कहा गया, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणराज्य के स्वरूप की पहचान की और सच्चे हृदय से रिझाया। एक भोग में कहते हैं, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर बर अनते जान न देऊं, राखो में रसिक रमाए आप विविध सब भात सुख देऊं, मैं अपने प्राणेश्वर को कहीं भी जाने नहीं दूंगा और सच्चे हृदय से सेवा करूंगा। एक वर्ष के लिए जब चित्रकूट में भी ठहरना होता है वहाँ के राजा के आग्रह पर वसंत सुर्खी के, तो भी अपनी महारानी को वहाँ महाराजा छत्रसाल जी भिजवा देते हैं ताकि श्री जी की सेवा में किसी तरह की चूक न हो। इस ब्रह्मांड में अपने गुरु की सेवा बहुतों ने की है, उपमन्यु ने की है, आरुणि ने की है, एकलव्य ने की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की है, लेकिन छत्रसाल जी जैसा न कोई हुआ न कोई होगा, क्योंकि छत्रसाल जी ने अक्षरातीत के रूप में उन्हें पहचाना, मनुष्य के रूप में नहीं पहचाना। मनुष्य का स्तन तो सबको दिख रहा है कि ये मिराज है, मिराज के अंदर महामति की आत्मा है, ये सुंदर साथ भी जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष युगल स्वरूप के रूप में उन्होंने पहचाना। उन्होंने अपने नैनों से देखा कि इस महामति जी के तन में मेरे साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। तभी उन्होंने दावे से कहा था कि धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल बात पर, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है जो आपको अक्षरातीत के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में देखती है। आज हमें आत्ममंथन करना होगा, हम प्राण जी को किस रूप में पहचानते हैं? हम उन्हें कवि कहकर गौरवान्वित होते हैं, राष्ट्रीय संत कहकर के तालियां बजाते हैं, स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय संत मानते हैं और प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत, या मानते हैं कि हरिद्वार में आचार्यों ने उनको उपाधि दी। उपाधि देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है, हम कभी भी विचार नहीं करते। हम उन्हें देवचंद जी का शिष्य कहते हैं, आवश्यकता है हम श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को यथार्थ में पहचाने। और तारतम बाड़ी में जो दार्शनिक अटूट सिद्धांत लिखे हैं, परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, हम उसको कैसे जाने, कैसे उसको पाएं? अद्वैत की व्याख्या करते करते एक ही वेदांत दर्शन की व्याख्या में कहीं द्वैतवाद है, कहीं त्रैतवाद है, कहीं विशिष्ट अद्वैत है, कहीं शुद्ध अद्वैत है, न जाने कितने मत मतांतर हैं, सभी लड़ते रहते हैं। सारे संसार को परम धाम का मार्ग दर्शाने वाली ये ब्रह्मवाणी है। इस ब्रह्मवाणी की ध्वनि संसार में गुजाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सांप्रदायिक परिधि से अपने को मुक्त रखें। हम कोई निजानंद संप्रदाय या प्रणामी धर्म मत के अनुयायी नहीं हैं, ये तो गत संसार की जो खेचा खेच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत। हमारे पास परब्रह्म का दिया हुआ जागृत बुद्धि का ज्ञान है, संसार के हर प्राणी को हम बताना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। वेद कतेब की दोनों धाराओं को एक करना ताकि संसार में संघर्ष जो चल रहा है समाप्त हो जाए। आज देखिए सारा विश्व आतंकवाद के ज्वालामुखी पर बैठा है, पता नहीं कब विश्व युद्ध की घंटी बज जाए और कब विश्व का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। पृथ्वी पर एक भी मानव न बचे जो बताए कि कभी विश्व युद्ध हुआ था। सारे संसार को विनाश से बचाने के लिए परम धाम की वाणी आई थी, लेकिन हमने 300 वर्षों में इस ब्रह्मवाणी को छिपाए रखा। हमने यदि दूरदर्शिता की नीति अपनाई होती
तारतम वाणी को प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए विश्वविद्यालय बनाया होता, बड़े बड़े विद्वानों को तैयार किया होता, उच्च स्तर का साहित्य रचा होता, तो अब तक 300 वर्षों में बहुत कुछ हो गया होता। हमने मंदिर अवश्य बनाए हैं जिसमें प्रातः सायंग दोनों समय घंटी घड़ियाल बजते रहते हैं, भोग लगाया जाता है, कुछ लोग खाते पीते रहते हैं। यही तो हमारी जागनी की कहानी है। सारा विश्व जागनी की बाट देख रहा था, ब्रह्मांड बाट देख रहा था कि परम धाम के ज्ञान से हम अपनी आत्मा को जागृत कैसे करें। हमें यह सौभाग्य था कि हम संसार का मार्गदर्शन करते, लेकिन हमारा ही मार्गदर्शन कोई नहीं कर पा रहा है। हम दूसरों को क्या जगाएंगे जब हम स्वयं ही सो रहे हैं? हम संसार को प्रेम का क्या संदेश देंगे जब हम आपस में लड़ रहे हैं, घृणा की दीवारों से अपना सिर फोड़ रहे हैं? हमारे पास न सामंजस्य है, न सौहार्द है, न हम सारे विश्व को अपना मानकर उसको परम धाम की राह पर दिखाने के लिए तैयार हैं। अकर्मण्यता की चादर हमने ओढ़ रखी है, प्रमाद के वशीभूत हम हैं। हम सारे मानव मात्र में आत्म तत्व की भावना न कर हम घृणा से कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये तो प्रवाही हैं, ये जीव हैं, इनके लिए ब्रह्मज्ञान नहीं है। सच है कि जीव सृष्टि इस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ अपने को पाती है, लेकिन आप तो महान हैं, आप तो परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं, और परम धाम की ब्रह्मात्मा को तो चाहिए कि संसार के सभी प्राणियों पर करुणा की दृष्टि रखे, सबको इस योग्य बनाए कि सभी परम धाम का ज्ञान ग्रहण करें और अपनी आत्मा को जागृत करें। यह वितक का कार्यक्रम किया गया सबके लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, ये मानव मात्र के लिए ज्ञान है। तारतम वाणी के प्रकाश में यदि हम चारों वेदों का अनुशीलन करेंगे, उपनिषद और दर्शनों का अनुशीलन करेंगे, कुरान और हदीस का, तौरेत और इंजील का, जंबूर का अध्ययन करेंगे, तो मालूम होगा कि वास्तविक सत्य क्या है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में संत वाणी बताएगी, कबीर जी की वाणी बताएगी, परम धाम कहाँ है, कैसा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़कर हमें जाना कहाँ है। लेकिन यदि तारतम वाणी का ही चिंतन न होगा तो हम कैसे स्वयं को जान सकते हैं, अपने प्रीतम को कैसे जान सकते हैं? जैसे एक भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से सबका यह कर्तव्य है कि परम तत्व को पाने के लिए सांप्रदायिकता की दीवारों को तोड़े, सांप्रदायिकता के कट्टरधारी कट्टर विचारों में न पले, बल्कि उन्मुक्त हृदय से, निष्पक्ष हृदय से इस पर चिंतन करें कि तारतम वाणी का कथन क्या कहता है। और यदि हम तारतम वाणी के एक एक ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे तो जैसे दोपहर के सूरज के उगने पर एक छोटी चलती हुई चींटी भी दिख जाती है, उसी तरह से हमारे मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रहेगा, न वेद के संबंध में, न कुरान के संबंध में, न इंजील के संबंध में, और न संत वाणी के ग्रंथों के संबंध में। अध्यात्म का कोना कोना हमें नजर आने लगेगा। जिन प्रश्नों का समाधान सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ था, उनका भी समाधान हो जाएगा। इसलिए सबके लिए अखंड परम धाम के प्रेम का द्वार खुला हुआ है, परम धाम के दर्शन का, परब्रह्म के दर्शन का स्वर्णिम अवसर है। सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रार्थना है कि सबके अंदर विवेक की ऐसी ज्योति जल जाए जो तारतम वाणी का प्रकाश ग्रहण करें, अपनी आत्मा को जागृत करें, स्वयं ही परब्रह्म को देखें और दूसरों को भी दिखाने का मार्ग प्रशस्त करें। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की, पिया तुम हो तैसी की जियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीने करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो जी।
आंसू बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध वाला जिसा मरत दिन रहन जाए रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप देखा पुकार पिया मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीने जी, पल पल खबर झुली जियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। ऐतिय रज के दुहाली जे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया की जे हास बिलास जी। वारणे जाए श्रीन्द्रावती पिया राखु चरे इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कह करूं किन सुबात जी, श्री महामती उगर स्वरूप सदा सुखदाता धाम धनी मैं कह कहूँ इन सुबात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, वारी अंगना बोलो श्री प्राण।